कांड संख्या जो है उसके तहत जो अपहरण के आरोप हैं, और इसको लेकर वहां पे वारंट भी निर्गत हुआ था जुलाई के महीने में, और इसके बाद से ये पूरा जो मसला मामला है, अब जबकि उन्होंने शपथ ले लिया है, मामला बहुत गर्म हो गया और मीडिया में जब से ये मामला आया है तो अभी कोशिश की जा रही है उनसे बात करने की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है और वो एक तरीके से कहें कि भूमिगत हो गए हैं, क्योंकि ना तो वो मंत्रालय में है ना ही वो घर पे है। तो इस तरीके से देखें तो अभी सरकार का जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है महागठबंधन के सरकार में, और जिस तरीके से मामले ये शुरू हुए हैं मंत्री के ऊपर, जिस तरीके से आरोप और वारंट थे, तो इन तमाम बातों को लेकर निश्चित तौर पे सरकार की फजीहत हो रही है। इसके पहले ही जो सत्ता पक्ष में पहले शामिल थे अब विपक्ष में है बीजेपी, यहाँ पे उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया है, और 16 मंत्री जो शामिल हुए हैं यहाँ पे, उनमें कई सारे दर्जन भर मंत्री हैं जिनके ऊपर आरोप है। इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से भी बातें जो है करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है, तो ये बेहद गंभीर और संगीन मसला मामला है, और निश्चित तौर पे इससे मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है और जिस तरीके से शपथ ली है कार्तिकेय कुमार ने, इसमें परेशानी जो है बढ़ेगी। और देखिए बिहार के कानून मंत्री के पद पर ये आसीन हुए, लेकिन ऐसे में देखिए कानून की फजीहत खुद इन्होंने कर दी है। आपको जानकारी देके देखिए जो कॉपी हमारे पास पहुंची, उस कॉपी में आखिर कौन कौन सी धाराएं इनके ऊपर लगी हैं, इसके बारे में भी हम विस्तार से सिलसिलेवार तरीके से जरा आपको बता दें। तो आपको जानकारी देखिए आरोप क्या है, देखिए आईपीसी की इन पर आखिर कौन कौन सी धाराएं लगी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार में नीतीश तेजस्वी सरकार की बड़ी फजीहत हुई, जो यहाँ सरेंडर की बजाय मंत्री पद की शपथ ली, ये तस्वीरें भी हमने आपको लगातार दिखा रहे हैं। 2014 में अपहरण के केस में वांटेड है कार्तिकेय सिंह, बाहुबली अनंत सिंह के बेहद करीबी हैं कार्तिकेय सिंह, मास्टर साहब के नाम से जाने भी जाते हैं। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह कानून की खुद फजीहत करते हैं। आप देखिए जो कॉपी हमारे पास है उसमें क्या लिखा हुआ है, धारा 363 अपहरण का मुकदमा इनमें दर्ज है, 7 वर्ष का इसमें जेल का प्रावधान है। वही अगर हम दूसरे पॉइंट पे देखें तो धारा 364 का भी इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, हत्या करने के नियत से अपहरण का जो मामला है इनके ऊपर दर्ज है। धारा 365 की बात कर लें तो वो यो भी इन पर लगाया गया है, किसी व्यक्ति या गुम और अनुचित रूप से कैद करने के लिए भी इन पर आरोप जो है वो लगा हुआ है। अब ये देखिए दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर देखिए आनंद मोहन, जब इन्हें इन पर आरोप लगा कि इनका मेडिकल टेस्ट हो रहा था, लेकिन वो जेल जाने के बजाय चले गए अपने परिवार के पास, वहां पर फोटो खिंचवाई, बैठक कहीं, आनंद मोहन पर ही आरोप लगे हैं। तो भाई दूसरी ओर देखिए बिल्कुल सचिन, देखिए आप तमाम जानकारी दे रहे हैं और जी हिंदुस्तान के पास उस पूरी डिटेल है, उसकी कॉपी मौजूद है कि आखिर किन किन धाराओं के तहत वो इस वक्त फरार चल रहे हैं। कानून मंत्री हैं, कानून मंत्री बनाया गया है लेकिन वो फरार है, और आप जो जानकारी दे रहे कि धारा 363, धारा 364, धारा 365, धारा 34 उसकी कॉपी भी हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों तक, अब स्क्रीन पर भी पहुंचेगा। लेकिन मीनाक्षी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सीधा उनका रुख करते हैं, पटना से जुड़ रही है मेरे साथ। मीनाक्षी ये तो अपने आप में चिराग तले अंधेरे वाली बात हो गई ना, कानून मंत्री हैं और वो कानून से ही फरार हैं और फरार याफ्ता हैं, एक ऐसे मामले में वो फरार चल रहे हैं जिस पर अभी भी मामला लंबित है। बिल्कुल सर, देखिए नई सरकार जब से बनी है तब से इस तरह के बार बार मामले सामने आ रहे हैं, जब भी ये मामले सामने आ रहे हैं उसमें नाम आरजेडी के किसी विधायक का सामने आ रहा है। फिर एक बार मामला सामने आया है कार्तिकेय सिंह जो कानून मंत्री कल बनाए गए, शपथ उन्होंने ले ली फागू चौहान के नेतृत्व में, लेकिन देखिए अब बड़ा सवाल ये उठ गया कि खुद उनके खिलाफ एक वारंट जारी है उनकी गिरफ्तारी के लिए और वो कानून मंत्री के पद की कल शपथ ले रहे थे, तो बहुत बड़ा सवाल, क्या इसकी जानकारी नहीं थी क्या पार्टी को, तेजस्वी यादव को, इसके बावजूद उन्हें कानून मंत्री दिया गया, उन्हें पेश होना था कोर्ट में लेकिन उसके बावजूद वो पेश ना होकर अब शपथ ले रहे। तब बहुत बड़ा सवाल, आपको बताऊं 2014 का पूरा मामला है जहां पर एक किडनैपिंग के मामले में ये भी आरोपी थे, दोषी थे, और तब से इनकी जो गिरफ्तारी है उसके लिए वारंट जारी किया गया था, वो खुद वहां पेश नहीं हुए, वो इसमें संलिप्त रहे और उसके बाद देखिए अब वो कल मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो बार बार ये सवाल उठ रहा है, इससे पहले देखिए खबर सामने आई थी जिला अधिकारी की हत्या करने वाला शख्स जिसे आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है, वो किस तरह से बाहर निकलता है, जनता दरबार लगाता है, कई तरह की दलील पेश की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस तरह की खबरें बार-बार कैसे सामने आ रही हैं और आज विवादों में भी वो घिर चुके हैं, आखिरकार ये कैसी सरकार है, ये सवाल उठ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार का कोई रिएक्शन आया क्या सामने अभी?
फिलहाल देखिए सोनिका, इस पर किसी ने भी कुछ नहीं कहा है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा तो इसको लेकर शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक प्रतिक्रिया की अगर आप बात करेंगी तो कोई भी इस पर कुछ भी कहने को भी तैयार नहीं है। और मुझे लगता है आरजेडी तो अभी बचेगी, क्योंकि आरजेडी देखिए लंबे वक्त बाद उसने सत्ता वापसी की है गठजोड़ कर जेडीयू के साथ, वो भी 2.5 साल बाद। अब वो चाहेगी ही नहीं कि किसी भी तरह का कलंक उस पर फिर से लगे। बड़ी मुश्किल से जंगल राज वाला ठप्पा खुद से उतारने की कोशिश कर रही है आरजेडी, और अब इस तरह की बार बार घटनाएं जब से आई है। देखिए जैसे गठजोड़ हुआ था जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाई, शपथ ली जैसे ही तेजस्वी यादव ने, बार बार इसका जिक्र बीजेपी ने शुरू कर ही दिया था कि आरजेडी आ गई है सत्ता में, जंगल राज की शुरुआत भी इसके साथ हो जाएगी। और मुझे लगता है ये एक दो चीजें जो हो गई है पिछले 2 दिनों में, और ये दोनों चीजें बहुत गंभीर है। गंभीर मीनाक्षी, देखिए आप खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और जिस तरीके से पूरे बिहार की सियासत को पलटने की पूरी कोशिश की गई और ये महागठबंधन की सरकार बनी, बैक टू बैक दो बड़ी गलतियां सबके सामने हैं, उजागर हो चुकी हैं। कानून मंत्री जो खुद कानून की फजीहत करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं, अब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। अब ये महागठबंधन की सरकार तो आ गई है, अब क्या करेंगे नीतीश कुमार, अब क्या करेंगे डेप्यूटी सीएम? देखिए सचिन, अब सबसे बड़ा सवाल और सबकी निगाहें मुझे लगता है इसी बात पर है कि क्या इस पर तेजस्वी यादव या खुद नीतीश कुमार इस पर बयान देने के बाद कोई स्टेप लेते हैं क्या, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है ये। एक मामले पर जो कल मामला सामने आया उसे तो पल्ला झाड़ लिया आरजेडी ने ये कहकर कि जो कार्रवाई है वो होगी, हमारी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन आज वाले मामले में कानून मंत्री जिनको शपथ दिला दी गई कल कानून मंत्री की, क्या अब उस पर कुछ कहेगी या उन पर जांच के लिए, क्योंकि देखिए गिरफ्तारी का वारंट है, पूछताछ की बात भी नहीं है यहाँ पर सचिन, गिरफ्तारी का वारंट जारी है। बहुत संगीन मामला है, 2014 का मामला है, लंबे वक्त इसमें सुनवाई चली आ रही है, गिरफ्तारी की बात कही गई है। इसके बाद क्या आरजेडी इस पर कुछ प्रतिक्रिया देती है या कोई बड़ा स्टेप लेती है, पद से हटाती है, विधायकी उनकी वापस लेती है, क्या करती है, ये देखना होगा, क्योंकि ये कदम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आरजेडी का, क्योंकि इस पर नजर अब हर किसी की होगी आने वाले 2.5 साल और अगले 5 साल। खुद को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तेजस्वी यादव, तो उनको बहुत सोच समझ के यहाँ पर फैसला। मीनाक्षी, यहाँ पर प्रतिक्रिया की बात तो चलिए बाद में आएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 2014 का मामला है और किसी को मालूम ना हो, या फिर ये जो मौजूदा कानून मंत्री उनको मालूम ना हो। जो जानकारी उसके मुताबिक तो 7/7/2022 यानी कि 7 जुलाई 2022 को ही उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को, यानी कि जो कार्तिकेय कुमार हैं, उन्हें बकायदा अपना पक्ष रखने के लिए कानून में कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो खुद वहां पहुंचे भी नहीं, और उसके बाद भी अभी भी भगोड़े हैं और कानून मंत्री की पद की शपथ लेते हैं। यानी कि ये जानबूझ करके अंधेरे में रखने की कोशिश, और सीधी सीधी वही बात कि चिराग तले अंधेरा। बिल्कुल, चिराग तले अंधेरा इसलिए भी क्योंकि क्या, जब मंत्री पद का बंटवारा हुआ, देखिए इस मंत्री पद के बंटवारे के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे, लालू प्रसाद यादव के साथ उन्होंने मुलाकात करके वहां पर इस बात का निर्णय लिया गया था कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। तो क्या उस वक्त श्रीकांत सिंह के बैकग्राउंड की बात नहीं की गई, वो किस तरह के बैकग्राउंड से वो आते हैं, उनके खिलाफ वारंट जारी है, लंबे वक्त से उनको ढूंढ रही है कोर्ट, पुलिस ढूंढ रही है, क्या इस बारे में वहां पर जिक्र नहीं हुआ? बिना इसको ध्यान में रखते हुए मंत्री पद का बंटवारा कर दिया गया क्या? बहुत सारे सवाल यहां पर, बहुत सारे सवाल उठेंगे। और नहीं मीनाक्षी, मीनाक्षी ये तो साफ समझ लीजिए कि सबको इस बारे में मालूम था, क्योंकि ये तो पब्लिक डोमेन में भी है। कार्तिकेय की अगर हम बात कर लें तो इन्होंने तो अपने चुनावी हलफनामे में भी इसका जिक्र किया है, इसके बावजूद उन्हें कानून मंत्री बना दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए यही समझना होगा कि खुद उन्होंने अपने हलफनामे में भी इस बात का जिक्र किया, और वो पार्टी में करीबी भी हैं, और करीबी हैं तभी आके देखिए उनके पास मंत्री पद भी है, और मंत्रालय भी बहुत महत्वपूर्ण है साउथ, कानून मंत्रालय, जो कानून को धोखा देकर लंबे वक्त से फरार चल रहे हैं उनको ही कानून मंत्रालय सौंप दिया जाता है। अब ये सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब कानून मंत्री ऐसा है राज्य का, तो राज्य की क्या स्थिति होगी, राज्य में कानून की क्या स्थिति होगी? यही आरोप लगातार लगते आए हैं ना आरजेडी पर, या फिर अगर हम बात करें जो अब महागठबंधन की सरकार बन चुकी है, अब विपक्ष इसी बात को लेकर तो हमलावर है कि सचिन, सचिन देख लीजिए ये तस्वीरें भी जरा दिखा दे अपने दर्शकों को कि अनंत सिंह के ये बेहद करीबी हैं, और कहा भी यही जा रहा है कि असल में अनंत सिंह के कहने पर ही इन्हें कानून मंत्री बनाया गया है, और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। यह हस्ती मुस्कुराती तस्वीर उस वक्त की है जब अनंत सिंह के साथ कानून मंत्री जो मौजूद है उस वक्त खड़े हुए थे, बड़े कैजुअल अंदाज में नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें नजदीकी साफ पता चल रही है। सचिन बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। और देखिए
जेल में बंद है अनंत सिंह, लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव दिल्ली तक पहुंचे, लालू यादव अपने पिता से मुलाकात की, चर्चा हुई कि आखिर ये चेहरे हैं, इन चेहरों पर हम भरोसा जो है वो दिखा सकते हैं, इनको मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं, लेकिन एक इतनी बड़ी लापरवाही, जो जग जाहिर है, जो आरोपी है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, कई ऐसे मैं तो ये कहूंगा सचिन की ये लापरवाही है ही नहीं। जिस बात का, जिस केस का जिक्र चुनावी हलफनामे में है, जिस बारे में कोर्ट ने 7 जुलाई को ही उन्हें बुलाया अपना पक्ष रखने के लिए, ये सब कुछ क्या आला कमान को नहीं पता होगा? बिल्कुल साहब, देखिए बिल्कुल पता होगा, लेकिन यही तो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों हो रही है? मीनाक्षी का रुख करते हैं। मीनाक्षी देखिए, शुरुआत से इस बात का जिक्र हमेशा से यह होता है कि आखिर वो 1990 का दौर वापस तो नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक दो ऐसे मामले सामने आ गए, अब कहीं ना कहीं संकेत बार बार इस ओर जा रहा है कि अगर सरकार आपकी है तो ऐसे मामले, ऐसे घोटाले और ऐसी जो जुमलेबाजी है वो हमेशा से होती आएगी। बिल्कुल देखिए सचिन, जब से नई सरकार बनी है, जब से जेडीयू के साथ आरजेडी ने मिलकर सत्ता में वापसी की है, तब से बीजेपी बार बार इसी बात का जिक्र कर रही है और हर बार उनके हर नेता की ओर से कहा जा रहा है कि फिर एक बार जंगल राज का दौर जो है बिहार में शुरू हो जाएगा। और मुझे लग रहा है पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई है उनसे भी कहीं ना कहीं उनकी बात आप कह सकते हैं कि सच न साबित हो जाए आने वाले दिनों में। लेकिन तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव क्या कर रहे थे, जब उन्हें पता है कि कार्तिकेय जो है उसका बैकग्राउंड ऐसा है, इसके बाद आखिर कैसे उसे शॉर्टलिस्ट किया गया मंत्री बनाने के लिए, और मंत्री बनाने के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया तो कोई ऐसा वैसा मंत्रालय नहीं, कानून मंत्रालय दे दिया गया, कानून मंत्री बना दिया गया। ये भी देखिए कि जिस तरीके से बिहार सरकार बनने से पहले भी कई सवाल उठ गए, बिहार सरकार बनी इसके बाद भी कई वारदातें बिहार के अंदर हो गई है और इस तरीके के मामले अब सामने आ चुके हैं। सवाल तो ये है कि आम आदमी आप पे भरोसा कैसे करेगी, आप जब अपनों में ही उलझे रहेंगे तो आप मुद्दे कब उठाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है इस तरह की घटनाओं के बाद, इस तरह की खबरों के बाद सबसे बड़ा सवाल यहाँ के आम नागरिक के मन में ये उठेगा कि कहीं कानून व्यवस्था फिर पहले जैसे तो नहीं हो जाएगी। पहले से आप समझ गए होंगे जिक्र किस बात का है, क्योंकि बार बार अब लोगों के मन में यही है, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्या कानून मंत्री ऐसा होगा राज्य का तो कानून का क्या हश्र होगा उस राज्य के अंदर। आप खुद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिहार सरकार में ऐसा ही होता रहा। बिहार में बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार अब विपक्ष को एकजुट करने में लग गए और इसके लिए उन्होंने मुहिम भी स्टार्ट कर दिया। जहां जेडीयू का दावा है कि मोदी के खिलाफ पीएम पद का विकल्प बनेंगे नीतीश कुमार, क्या है पूरा मामला और क्या है पूरी खबर, देखिए एक मिनट में। नीतीश कुमार भले ही बिहार में 8वीं बार सीएम बन गए हों, लेकिन उनका मन पीएम की कुर्सी में अटक गया है। वो 2024 में बीजेपी को टक्कर देने और विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए देश भर का दौरा करेंगे और इस पीछे मकसद पीएम पद की दावेदारी करना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है न वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, न उनकी चाहत है देश के प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन यूनाइटेड ओपोजिशन हो, संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ी जाए जिससे कि भाजपा को फायदा ना हो, उसका हम मशक्कत उसके लिए करेंगे। उसके लिए सबके घर घर भी हमको जाना पड़ेगा, तो हम घर घर भी जाएंगे। नीतीश भले कह चुके हों कि वो पीएम पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन जेडीयू खुलकर कह रही है कि नीतीश ही मोदी के मजबूत विकल्प हैं। दूसरा को विकल्प नहीं मिल रहा था तो अब नीतीश कुमार उनके विकल्प के रूप में रहेंगे और हम लोग क्या, हमको लगता है पूरे देश में हमारे नेता घूमेंगे भी और हमको लगता है कि अगला हम लोग विपक्ष का उम्मीदवार के रूप में भी रहना चाहिए, सभी लोग को मानना भी चाहिए। नहीं तो हम लोग तो खैर शुभकामना करेंगे, बधाई भी देंगे और कोशिश भी करेंगे कि हमारा नेता जो है देश का बागडोर संभाले। जेडीयू भले ही नीतीश को मोदी का विकल्प बता रही हो, लेकिन असल दिक्कत यह है कि विपक्ष में पीएम पद के कई दावेदार हैं, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, शरद पवार, चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता भी प्रधानमंत्री पद की रेस में अपनी दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश में हैं। क्षेत्रीय नेताओं को छोड़ भी दें तो लोकसभा चुनाव में असली टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होनी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ने को तैयार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद दिल्ली में बैठक कर बीजेपी ने आगे की रणनीति तय कर ली है। नीतीश के खिलाफ मोर्चा भी खोला जाएगा तो वहीं 2024 में 40 में से 35 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य भी तय कर लिया गया है। एक मिनट में रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गलबहियां की तो इस झटके के बाद बीजेपी ने दिल्ली में बैठक कर आगे की रणनीति तय की।
बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील मोदी, गिरिराज सिंह, शहनवाज हुसैन समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी ने बिहार में अकेले दम पर 35 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया। बीजेपी ने महागठबंधन को जनता को धोखा देने वाला गठबंधन करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और हम 35 से ज्यादा सीटों पर जीत करके सबसे अधिक सीट इस बार जीतने का 2024 में रिकॉर्ड बनाएंगे। और कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ पूरे बिहार में मोर्चा खोला जाएगा। जग जाहिर है कि यह जो गठबंधन बना है यह जनता को धोखा देने वाला गठबंधन है और लालू राज को पुनः वापसी करने का एक पिछले दरवाजे से प्रयास करने वाला यह गठबंधन है। बीजेपी नीतीश के खिलाफ पहले भी पटना समेत पूरे राज्य में महाधरना दे चुकी है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, एक तरफ तो बीजेपी लगातार बिहार में यानी बिहार में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए 2024 में रणनीति तैयार करी, दूसरी तरफ लगातार बीजेपी महागठबंधन पर आक्रामक भी हो रही है। जहां बिहार में महागठबंधन सरकार के कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी ने साधा है निशाना, मंत्रिमंडल को बताया है पूरी तरीके से दागी। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कई जातियों की इसमें उपेक्षा की गई, मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ यादव और मुसलमानों का दबदबा है। देखिए रिपोर्ट। कल महागठबंधन सरकार में 31 मंत्रियों ने शपथ ली और शपथ ग्रहण के बाद ही बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आपराधिक छवि वाले कई नेताओं को नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया। देखिए, एक तो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की संख्या इसमें ज्यादा है। बिहार का बच्चा ललित यादव कौन है, सुरेंद्र यादव कौन है, रामानंद यादव कौन है जानते हैं लोग, लेकिन ये बाहुबलियों की सरकार है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल में जातीय सामाजिक संतुलन का ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि कुछ जातियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तो एक तिहाई मंत्रिमंडल मुस्लिम यादव से भरा हुआ है। जो सामाजिक संतुलन चाहिए, राजपूतों की भी संख्या पहले से कम है, कायस्थ का कोई है ही नहीं, काने को जो ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण एक समय में उनके कितने मुख्यमंत्री हुआ करते थे और 13 मंत्री एक ही समीकरण के, यानी कुल मंत्री परिषद के 33% से ज़्यादा लोग हैं, उनके जो उनका जो राजद का जो समीकरण उसी समीकरण के 33% लोग हैं, तो एक ही जाति के 8 लोगों को मंत्री बना दिया। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री नहीं बनाए जाने पर सुशील मोदी ने सवाल उठाए और कहा कि नीतीश ने कुशवाहा को अपमानित किया है। उधर आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का नया और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कश्मीर से सामने आ रही है। कश्मीरी पंडितों की हत्या के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन तेज हो गया है। बड़ी संख्या में जम्मू में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और देखिए कल शोपिया में कश्मीरी पंडित की हत्या की गई थी। आपको बता दें कि टारगेट किलिंग के बाद अब कश्मीरी पंडितों का आक्रोश ये सड़कों पर नजर आ रहा है और कश्मीरी पंडित सुनील भट्ट की हत्या हुई थी और सुनील भट्ट के भाई भी गंभीर रूप से इस वक्त घायल हैं। और अब देखिए एक बार फिर से जो टारगेट किलिंग हो रही है और खासतौर पर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की घटनाएं दोबारा से तेज हुई है, उसके खिलाफ कैसे कश्मीरी पंडित नाराज है, कैसे कश्मीरी पंडित सड़कों पर है, उसकी ये तस्वीर नजर आ रही है। और देखिए बीते 2 साल के अंदर कश्मीरी पंडितों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किलिंग लगातार हो रही है, इसके खिलाफ अब लोग आक्रोशित हो गए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, हाथों में पोस्टर बैनर लिए नारेबाजी की जा रही है, दरअसल विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है ये जो टारगेट किलिंग हो रही है कश्मीरी पंडितों को लेकर के। ऐसे में सवाल भी है कि क्या जो आतंकवादी है वो बौखला गए हैं, क्योंकि लगातार सुरक्षा बल है जो वो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है आतंकवादियों के खिलाफ। आप ये देख लीजिए कि कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग की वारदातें एक बार फिर से बढ़ी हैं। हालांकि बीते 1-2 महीने में थोड़ी सी इसमें कमी जरूर आई थी, लेकिन जब 2 महीने पहले की स्थिति को भी हम देखें तो उस वक्त टारगेट किलिंग की वारदातें अचानक से तेज हुई थी और उस वक्त भी कश्मीरी पंडितों का आक्रोश हम सड़कों पर देख रहे थे और उस वक्त कई बार कश्मीरी पंडितों की तरफ से ये कहा गया कि हमें जो हमारी सरकारी नौकरियां हैं या फिर जो बहुत से सरकारी टीचर्स थे उन्होंने कहा कि हमें सेफ जोन में ट्रांसफर कर दिया जाए, हमारी नौकरियों को ऐसी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जहां पर हम सुरक्षित हो या फिर
हमें हमारे घर पर, हमारे कार्यक्षेत्र पर सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन एक बार फिर से जब ये मामला सामने आया और कल ही टारगेट किलिंग की बात सामने आई, तो जरा दो तस्वीरों में देख लीजिए कि कैसे कश्मीरी पंडित नाराज है, आक्रोश है और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और देखिए टायर में आग लगा दी गई है, आगजनी भी अब की जाने लगी है, क्योंकि आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है टारगेट किलिंग को लेकर। एक के बाद एक लगातार कई हत्याएं की गई हैं। ऐसे में कश्मीरी पंडित का इस परिवार की तस्वीर आप देखिए, कल जब सुनील भट्ट की हत्या हुई उसके बाद सुनील भट्ट के परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। दूसरी तरफ जम्मू की सड़कों पर कश्मीरी पंडित उतर आए हैं, अब विरोध दर्ज किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि लगातार सख्त एक्शन की बात की गई है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी इसमें शामिल है उन पर, लेकिन ये जो आतंकवादी है वो बाज नहीं आ रहे। और चलिए अब आगे बढ़े, उससे पहले आपको दिखा देते हैं 5 मिनट में फटाफट अंदाज में 50 खबरें। यूपी के आगरा में तिरंगा यात्रा के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वालों पर कसा शिकंजा, लोहा मंडी थाने में 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। आगरा में 3 युवकों पर तिरंगा रैली में पाकिस्तान का नारा लगाने का आरोप, वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया एक्शन। आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का मामला, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा ऐसी कार्रवाई करेंगे कि एक नजीर बनेगी, उनके कई पुश्ते याद रखेंगे। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों से आज से एटीएस करेगी पूछताछ, आतंकी नदीम और सैफुल्लाह को 12 दिन की रिमांड। लखनऊ में आतंकी हबीबुल उर्फ सैफुल्लाह को लेकर के खुलासा, राह हिदायत ग्रुप से जुड़ा हुआ था हबीबुल्लाह और पाकिस्तानी हैंडलर ने बनाया था ये ग्रुप। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर टायर जलाए गए, शोपियां में हुए कश्मीरी पंडितों पर हमले का विरोध। 48 घंटे में कश्मीरी पंडितों पर आतंकियों का दूसरा हमला, शोपियां में कश्मीरी पंडितों के मोहल्ले में मौजूद सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड अटैक, आतंकियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम बस हादसे में शहीदों को आखिरी सलाम, श्रीनगर में सेना के जवानों ने दी श्रद्धांजलि। पहलगाम बस हादसे में शहीद हुए आईटीबीपी के जवानों को एलजी मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि, मनोज सिन्हा ने जवानों के पार्थिव शरीर को दिया कंधा। जम्मू के सिदरा से सनसनीखेज मामला आया सामने, सिदरा इलाके में एक घर से 6 शव मिलने से हड़कंप, सभी शव एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत की वजह का अभी तक भी खुलासा नहीं हुआ, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ग्रामीणों ने हाथों में थामी बंदूक, आतंकियों से रक्षा के लिए ग्रामीण दे रहे हैं पहरा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस प्रचार समिति अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र के गोंदिया में यात्री ट्रेन ने मालगाड़ी को पीछे से मारी टक्कर, 3 डिब्बे पटरी से उतरे, 50 से ज्यादा लोग घायल। उडुपी में भी सावरकर के पोस्टर को लेकर के विवाद, सुभाष चंद्र बोस के साथ सावरकर की तस्वीर पर लिखा जय हिंदू राष्ट्र, कांग्रेस ने कहा पोस्टर नहीं हटाया तो करेंगे विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग के बाद मौत से तनाव, चोरी के शक में 15 से 20 लोगों ने पीट कर की थी हत्या, 7 आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक के शिवमोगा में 2 समुदायों के बीच तनाव बरकरार, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, एहतियात के तौर पर शहर में धारा 144 लागू। शिवमोगा में वीर सावरकर की तस्वीरों को लेकर हुआ था विवाद, 2 समुदाय के युवकों में हुई थी भिड़ंत। बिहार में कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह लापता, कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी, अपहरण केस में फरार चल रहे हैं कार्तिकेय सिंह। विपक्ष को एकजुट करने के लिए देश का दौरा करेंगे नीतीश, जेडीयू का दावा मोदी का विकल्प बनेंगे नीतीश कुमार। नीतीश के खिलाफ सड़क पर उतरेगी बीजेपी, दिल्ली में बिहार बीजेपी की बैठक में बनी रणनीति, 2024 में बिहार में 35 लोकसभा सीट जीतने का भी लक्ष्य। बीजेपी की बैठक में नीतीश कुमार को बताया गया धोखेबाज, बीजेपी बिहार में महागठबंधन के खिलाफ लगातार करेगी प्रदर्शन। दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह समेत बिहार के बड़े नेता हुए शामिल, बिहार के मौजूदा हालात पर मंथन हुआ। शिक्षा मंत्री बनते ही प्रोफेसर चंद्रशेखर का बड़ा ऐलान, कहा अब है अभ्यर्थियों को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं, बिहार में जल्द होगी बड़े स्तर पर बहाली।
लोकसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी तैयारी शुरू कर चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज लॉन्च करेंगे मेक इंडिया नंबर वन कैंपेन। केजरीवाल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दोपहर 1 बजे लॉन्च करेंगे कैंपेन, 2024 के आम चुनाव के लिहाज से बेहद अहम कैंपेन। ममता की जगह अभिषेक का चेहरा टीएमसी के पोस्टर से, ममता बनर्जी गायब, नए टीएमसी बनाने के नारे के पोस्टर से पटा कोलकाता। कांग्रेस का आज से देश भर में महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और चौपाल, 23 अगस्त तक देश भर में महंगाई चौपाल लगाकर करेगी प्रदर्शन, 4,000 से ज्यादा महंगाई चौपाल लगाएगी कांग्रेस। भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी ट्विटर वॉर, वीडियोज और मीम्स के जरिए एक दूसरे पर हो रहे हैं हमले। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की वजह से 1,84,00,000 रुपए का हुआ नुकसान। और देखिए इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें आपको कि दरअसल सुकेश चंद्रशेखर मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक्ट्रेस जैकलीन को ईडी ने आरोपी बनाया है। तो देखिए एक्ट्रेस जैकलीन को ईडी ने अब आरोपी बना दिया है, पुराना मामला है और इसमें ये बड़ी खबर है सुकेश चंद्रशेखर के मामले में अब ये बड़ी खबर, ईडी ने जैकलीन को आरोपी बनाया है, पूछताछ होगी और देखिए आज ही चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी ईडी की तरफ से और पूरा पूछताछ किया जाएगा। दरअसल 215 करोड़ की वसूली केस में ईडी ने आरोपी बनाया है जैकलीन को, ये सुकेश चंद्रशेखर मामले में ये बड़ी खबर है। और देखिए आपको जानकारी दें कि ईडी ने इस बात का भी जिक्र अगर हम बात करें तो कई बार कर दिया है कि देखिए कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी के तौर पर या फिर जैकलीन को पहले से ही मालूम था कि आखिर वो एक आरोपी के संपर्क में है। और खास तौर पर ये जो 215 करोड़ की हेरा फेरी हुई, ये जो वसूली मामला है, इसमें मुख्य आरोपी अब जैकलीन को भी बना दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का सबसे जब से महातक सुकेश चंद्रशेखर संग कनेक्शन सामने आया, कानूनी पचड़े में वो फंसी हुई है, उनकी मुश्किलें अब एक बार और बढ़ सकती है। पहले भी ईडी ने उनसे पूछताछ की है, कई बार इस बात का जिक्र हुआ कि जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उनका संतोषजनक जवाब उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ दिनों तक मामला जो है वो शांत पड़ा हुआ था, मामले की जांच हो रही थी, खबर ये सामने आ रही है कि चार्जशीट जो है वो दाखिल की जाएगी और उसमें मुख्य आरोपी अब जैकलीन को बना दिया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अब ईडी ने एक्ट्रेस को 215 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में आरोपी बता दिया है। ईडी आज एक्ट्रेस के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने वाली है। आपको जानकारी दें कि सुकेश ने जैकलीन को 10 करोड़ रुपए की कीमत गिफ्ट जो है वो दिए थे और ईडी ने एक्ट्रेस की 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति भी अटैच है। ऐसे में कुछ फोटोज जो है वायरल हुए थे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज या जो चार्जशीट है वो दाखिल की जाएगी। और ये देखिए ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देख करके आपको याद आ गया होगा कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल 215 करोड़ की रंगदारी का मामला है, पुराना मामला है, इसको लेकर के जैकलीन फर्नांडिस सुर्खियों में रही थी क्योंकि आरोपी के साथ फोटोग्राफ्स वायरल थे, गिफ्ट्स को लेकर के भी काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। जैकलीन ने कबूल किया था कि हाँ मुझे गिफ्ट्स मिले हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले में जो ताजा अपडेट है वो जैकलीन की मुसीबतें बढ़ाने वाला है क्योंकि ईडी ने आरोपी बना दिया है जैकलीन फर्नांडिस को और जैकलीन पर ईडी अब आज ही चार्जशीट दाखिल कर सकती है। आने वाले वक्त में जो एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस है उनकी मुश्किलें बढ़नी बिल्कुल तय है क्योंकि अब इस पूरे 215 करोड़ की जो रंगदारी का मामला है, इस पूरे मामले में दरअसल जैकलीन फर्नांडिस भी आरोपी हैं। अब इस आरोपी के तहत, आरोपी जो बनाया गया है उसके तहत उन पर कार्रवाई होगी, उसके तहत उनसे पूछताछ होगी और अगर कसूरवार पाई जाती है तो आने वाले वक्त में सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन अब मुश्किलों में फंसती और नजर आ रही है, मुश्किलें उनकी अब और बढ़ सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा केस है और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ही ईडी अब आगे की पूछताछ करेगी। सुकेश चंद्रशेखर जिनके साथ इनका रिलेशन सामने आया था, तस्वीरें वायरल हुई थी, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में दरअसल ये वसूली का मामला है, 200 करोड़ से अधिक की वसूली का मामला जिसमें जैकलीन को अब आरोपी बनाया गया है। सवाल है कि क्या जैकलीन अब जेल जाएंगी क्योंकि उन पर आरोप लगा है, मुश्किलें अब उनकी बढ़ गई हैं। देखिए ये सुकेश चंद्रशेखर दरअसल ये एक ठग है और
जानकारी के मुताबिक सुकेश ने जैकलिन को 10 करोड़ रुपए की कीमती गिफ्ट दिए थे और ईडी ने एक्ट्रेस की अब तक 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति भी अटैच कर रखी है। और ऐसा भी बताया गया है कि सुकेश ने जैकलिन को फैमिली मेंबर्स को भी काफी महंगे तोहफे दिए थे, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में जैकलिन आरोपी नहीं थी। सिर्फ यह था कि उन्हें कुछ फायदा पहुंचाया गया, सुकेश के साथ उनकी नजदीकी थी और उसकी फोटोग्राफ भी जब वायरल हुई थी तो एक्ट्रेस ने खुद इस बात को कबूल किया था, क्योंकि जब तस्वीरें पब्लिक डोमेन में आ गई तो एक्ट्रेस के पास इसको लेकर के कोई जवाब भी नहीं था और जैकलिन ने इस बात को कबूल भी किया था कि ठीक है मैं जानती हूं मेरी नजदीकी है, ईडी ने इससे पहले पूछताछ भी की है, लेकिन अब जो पूछताछ करेगी और अगर चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी उनके खिलाफ तो फिर आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचने की बात नहीं रहेगी, सुकेश के साथ नजदीकी की बात नहीं रहेगी, बल्कि इस पूरे 215 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खुद आरोपी हो गई हैं। तो अब मुश्किलें अब जैकलिन की यहां पर बढ़ने वाली हैं। 215 करोड़ की वसूली का यह पूरा मामला जिसमें सुकेश का भी नाम सामने आया, सुकेश से कनेक्शन है। खबर यह भी सामने आई कि बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स हैं, काफी महंगे महंगे गिफ्ट्स हैं जो सुकेश ने जैकलिन को दिए थे। जब पूछताछ हुई थी जैकलिन ने इस बात का जिक्र भी किया, ये माना कि हाँ मेरे कनेक्शन थे, कुछ ऐसे महंगे महंगे गिफ्ट्स हैं जो सुकेश ने मुझे दिए हैं। लेकिन देखिए अब जो सच है वो एक एक कर सामने आने वाला है, कार्रवाई होगी, कार्रवाई में जो खुलासे होंगे अब वो एक एक कर सामने आएगा। जितेंद्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी जितेंद्र, अभी तक इस पूरे मामले में देखिए अब ईडी ने जैकलिन को आरोपी बना दिया, खबर यह सामने आ रही कि आज चार्जशीट दाखिल की जाएगी, क्या लेटेस्ट अपडेट है आपके पास? देखिए जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ ईडी आज चार्जशीट दाखिल कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये मामला था, सुकेश चंद्रशेखर ने जेल के अंदर बैठ करके 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की थी, उसमें से काफी सारा हिस्सा जैकलिन फर्नांडिस के ऊपर खर्च किया गया था और उसको महंगे गिफ्ट किए गए थे, और यही वजह थी कि ईडी ने जो अपनी जांच की थी उसमें पाया था कि जो जब वो शूटिंग पे जाती थी तब उसको तोहफे पहुंचाए जाते थे, इसके अलावा महंगे महंगे तोहफे पहुंचाए गए थे, उनके परिवार को कुछ पैसे भी दिए गए थे, बकायदा एक्सट्रीम राइटर को भी करीब 1.5 लाख रुपए सुकेश चंद्रशेखर ने भिजवाए थे, ताकि जैकलिन फर्नांडिस जो एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहती थी, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनाना चाहती थी, उसके लिए कहानी लिखने को लेकर के, तो वो पैसे जैकलिन की तरफ से सुकेश चंद्रशेखर ने इसी ठगे गए पैसे से पहुंचाए थे। तो जब ये जांच में सब चीजें एस्टेब्लिश हो गई उसके बाद ईडी ने इसी साल मई महीने में करीब 7.5 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी जो उसके बैंक डिपॉजिट से एफडीज और जो बाकी जो पैसा था उसको अटैच। अच्छा जितेंद्र, जैकलिन को आरोपी बनाया गया है, क्या कार्रवाई इन पर अब आगे हो सकती है? वही अगर बात की जाए सुकेश चंद्रशेखर की, वो कहां है इस पूरे मामले में? देखिए सुकेश चंद्रशेखर इस समय जेल में है और जैकलिन फर्नांडिस के ऊपर जो कार्रवाई की आप बात कह रही है तो जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ हो चुकी है, उसके खिलाफ एज ए आरोपी एज एन एक्यूज आज ईडी अदालत में चार्जशीट फाइल करेगी और उस चार्जशीट के आधार पर आगे की जो कार्रवाई होती है अदालत में जिसमें पहले आरोप तय होंगे और उसके बाद आगे केस चलेगा, तो उस तरह की कार्रवाई रहेगी। ये बात तय है कि अभी तक जैकलिन फर्नांडिस को ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया है और अभी उनका गिरफ्तार करने का कोई इरादा भी नहीं है, लेकिन उन्हें आरोपी मानते हुए क्योंकि इस पूरे क्राइम के अंदर कहीं ना कहीं जैकलिन की हिस्सेदारी रही है उसने। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, कहीं ना कहीं जैकलिन की हिस्सेदारी रही है तभी उन्हें आरोपी बनाया जा रहा है और अब आगे उनसे पूछताछ भी होगी। जितेंद्र बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पूरा ये मामला देखिए, वसूली का मामला मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अब जैकलिन पर आगे कार्रवाई होगी। और अगर रुक लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक में सावरकर की प्रतिमा को लेकर बवाल लगातार जारी है। शिमोगा से शुरू हुआ विवाद कर्नाटक के दूसरे शहरों में भी पहुंच गया है। शिमोगा के बाद उडुपी तुमकुर में भी बवाल मच गया है। क्या देखिए अब शिवमोगा में जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही थी, बवाल हो रहा था, उसके बाद अब ये पूरा मामला उडुपी और तुमकुर जैसे शहरों में भी पहुंच गया है। तुमकुर में तो सावरकर के पोस्टर को फाड़ दिया गया, तो वहीं उडुपी में सावरकर और सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगाई गई, उसको लेकर के भी विवाद है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, शिमोगा से बीजेपी विधायक का विवादित बयान सामने आ गया है। सावरकर का पोस्टर लगाने पर विवादित बोल, मुसलमानों के बात की जगह नहीं है, ये कहा गया ईश्वर अप्पा की तरफ से, देश किसी धर्म की जागीर नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी और हिंदुत्व दोनों को रक्षा करने के लिए बीजेपी ही चाहिए, सबको ही मालूम है, ये तात्कालिक आक्रोश तो है,
हमारा सरकार कर्नाटक में भी है, हमारा सरकार केंद्र में मोदी सरकार भी है, ऐसा हुआ तो भी दो। और इस वक्त देखिए इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जयपाल, हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में सावरकर को लेकर के बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब ये बवाल थम नहीं रहा है। भले हमने देखा कि शिवमोगा में कई तरह के एहतियात बरते गए, धारा 144 लागू की गई है, लेकिन अब ये जो बवाल है वो दूसरे शहरों तक पहुंच गया है। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की खबरें जो हैं लगातार आ रही हैं, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया कि तुमकुर के अंदर में एक पोस्टर था जिसके अंदर में सावरकर की तस्वीर थी, वहां पर से उस सावरकर की तस्वीर को हटा दिया गया। दूसरी घटना जो है उडीपी की है, उडीपी के ब्रह्मागिरी सर्कल के अंदर में एक फ्लैक्स लगाया गया जिसके अंदर में सावरकर की तस्वीर है, साथ के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है, उसके ऊपर में लिखा है जय हिंदू राष्ट्र। अब इस पोस्टर को लेकर के वहां पर कांग्रेस ने जो है एतराज जता दिया है। हालांकि उस पोस्टर को लगाए जाने की इजाजत 15 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त तक के बीच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा दी गई है, बावजूद इसके जो है कांग्रेस तो कुल मिलाकर के वहां पर अब सावरकर की पोस्टर्स और प्रतिमाओं को। बिहार में बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार अब विपक्ष को एकजुट करने में लग गए और इसके लिए उन्होंने मुहिम भी स्टार्ट कर दिया। जहां जेडीयू का दावा है कि मोदी के खिलाफ पीएम पद का विकल्प बनेंगे नीतीश कुमार। क्या है पूरा मामला और क्या है पूरी खबर, देखिए एक मिनट में। नीतीश कुमार भले ही बिहार में 8वीं बार सीएम बन गए हों, लेकिन उनका मन पीएम की कुर्सी में अटक गया है। वो 2024 में बीजेपी को टक्कर देने और विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए देश भर का दौरा करेंगे और इस पीछे मकसद पीएम पद की दावेदारी करना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है न वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, न उनकी चाहत है देश के प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन यूनाइटेड ओपोजिशन हो, संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ी जाए जिससे कि भाजपा को फायदा ना हो, उसका हम मशक्कत उसके लिए करेंगे। उसके लिए सबके घर घर भी हमको जाना पड़ेगा, तो हम घर घर भी जाएंगे। नीतीश भले कह चुके हों कि वो पीएम पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन जेडीयू खुलकर कह रही है कि नीतीश ही मोदी के मजबूत विकल्प हैं। दूसरा को विकल्प नहीं मिल रहा था, तो अब नीतीश कुमार उनके विकल्प के रूप में रहेंगे। और हम लोग क्या, हमको लगता है पूरे देश में हमारे नेता घूमेंगे भी, और हमको लगता है कि अगला हम लोग विपक्ष का उम्मीदवार के रूप में भी रहना चाहिए, सभी लोग को मानना भी चाहिए। नहीं तो हम लोग तो खैर शुभकामना करेंगे, बधाई भी देंगे और कोशिश भी करेंगे कि हमारा नेता जो है देश का बागडोर संभाले। जेडीयू भले ही नीतीश को मोदी का विकल्प बता रही हो, लेकिन असल दिक्कत यह है कि विपक्ष में पीएम पद के कई दावेदार हैं। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, शरद पवार, चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता भी प्रधानमंत्री पद की रेस में अपनी दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश में हैं। क्षेत्रीय नेताओं को छोड़ भी दें तो लोकसभा चुनाव में असली टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होनी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ने को तैयार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में नीतीश कुमार की पलटी मारने के बाद दिल्ली में बैठक कर बीजेपी ने आगे की रणनीति तय कर ली है। नीतीश के खिलाफ मोर्चा भी खोला जाएगा, तो वहीं 2024 में 40 में से 35 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य भी तय कर लिया गया है। एक मिनट में रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गलबहियां की, तो इस झटके के बाद बीजेपी ने दिल्ली में बैठक कर आगे की रणनीति तय की। बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील मोदी, गिरिराज सिंह, शहनवाज हुसैन समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी ने बिहार में अकेले दम पर 35 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया। बीजेपी ने महागठबंधन को जनता को धोखा देने वाला गठबंधन करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और हम 35 से ज्यादा सीटों पर जीत करके सबसे अधिक सीट इस बार जीतने का 2024 में रिकॉर्ड बनाएंगे। और कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ पूरे बिहार में मोर्चा खोला जाएगा। जग जाहिर है कि यह जो गठबंधन बना है यह जनता को धोखा देने वाला गठबंधन है और लालू राज को पुनः वापसी करने का एक पिछले दरवाजे से प्रयास करने वाला यह गठबंधन है। बीजेपी नीतीश के खिलाफ पहले भी पटना समेत पूरे राज्य में महाधरना दे चुकी है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और देखिए एक तरफ तो बीजेपी लगातार बिहार में यानी बिहार में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए 2024 में रणनीति तैयार करी, दूसरी तरफ लगातार बीजेपी महागठबंधन पर आक्रामक भी हो रही है। जहां बिहार में महागठबंधन सरकार के कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी ने साधा है निशाना, मंत्रिमंडल को बताया है पूरी तरीके से दागी। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कई जातियों की इसमें उपेक्षा की गई, मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ यादव और मुसलमानों का दबदबा है। देखिए रिपोर्ट। कल महागठबंधन सरकार में 31 मंत्रियों ने शपथ ली और शपथ ग्रहण के बाद ही बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आपराधिक छवि वाले कई नेताओं को नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया। देखिए एक तो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की संख्या इसमें ज्यादा है। बिहार का बच्चा ललित यादव कौन है, सुरेंद्र यादव कौन है, रामानंद यादव कौन है जानते हैं लोग, लेकिन ये बाहुबलियों की सरकार है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल में जातीय सामाजिक संतुलन का ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि कुछ जातियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तो एक तिहाई मंत्रिमंडल मुस्लिम यादव से भरा हुआ है। जो सामाजिक संतुलन चाहिए, राजपूतों की भी संख्या पहले से कम है, कायस्त का कोई है ही नहीं, कानक कुब्ज ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण, एक समय में उनके कितने मुख्यमंत्री हुआ करते थे और 13 मंत्री एक ही समीकरण के, यानी कुल मंत्री परिषद के 33% से ज़्यादा लोग हैं, उनके जो उनका जो राजद का जो समीकरण उसी समीकरण के 33% लोग हैं, तो एक ही जाति के 8 लोगों को मंत्री बना दिया। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री नहीं बनाए जाने पर सुशील मोदी ने सवाल उठाए और कहा कि नीतीश ने कुशवाहा को अपमानित किया है। उधर आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का नेशनल कैंपेन जारी करेंगे। एक मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अब सिर्फ दिल्ली और पंजाब तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि आपका इरादा अब ऑल इंडिया लेवल पर पैर फैलाना है। दिल्ली प्रदेश की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में केंद्र की सियासत में भी बड़ी भूमिका निभाने के इरादे में मैदान में उतरने वाली है। इसी कड़ी में केजरीवाल आज आम आदमी पार्टी का नेशनल कैंपेन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लॉन्च करने वाले हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपके कैंपेन को काफी अहम माना जा रहा है। गुजरात दौरे पर भी केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मेरी जिंदगी का एक सपना है कि जीते जी भारत को दुनिया का नंबर वन देश देखना चाहता हूँ। भाषणबाजी से नहीं होगा, सबसे पहले शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिना शिक्षा को ठीक किए भारत नंबर वन देश नहीं बन सकता। कांग्रेस की पतली हालत और पंजाब में मिली बंपर जीत के बाद आम आदमी पार्टी देश भर में मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम से उतरना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अगली खबर टीएमसी और भ्रष्टाचार से जुड़ी है। 50 करोड़ के कैश कांड और भ्रष्टाचार में अपने नेताओं के घिरने के बाद टीएमसी के बिगड़ गए हैं बोल। जहां टीएमसी विधायक इदरस अली ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर जो बोलेगा उसकी जीभ काट लेंगे। देखिए रिपोर्ट। बंगाल में पहले शिक्षा भर्ती घोटाले में फंसे पार्थ और फिर मवेशी तस्करी कांड में बाहुबली नेता अनुब्रत मंडल की गिरफ्तारी ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को बैकफुट पर ला दिया। अनुब्रत उर्फ कैस्टो की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि आप कैस्टो को गिरफ्तार करके हमें नहीं रोक सकते, अगर आप एक कैस्टो को गिरफ्तार करते हैं तो हम 1000 कैस्टो खड़े कर देंगे। उधर ममता से एक कदम आगे बढ़ते हुए टीएमसी विधायक इदरीस अली ने कहा कि तृणमूल में शामिल सभी को चोर कहने वाले भाजपा नेताओं की जीभ काट दी जाएगी। सीबीआई ईडी भाजपा के इशारे पर चल रही है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ईमानदारी की प्रतीक ममता बनर्जी के निर्देश देने पर बंगाल थम जाएगा। भाजपा को बंगाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा था कि जो पार्टी की अधिक आलोचना करेंगे उनके चमड़े की खाल से जूते बनवाएंगे। ममता के एक और विधायक मदन मित्रा ने यहां तक कह दिया था कि टीएमसी कार्यकर्ता अपने आलोचकों को लाठी से जवाब दे, लाठियों की व्यवस्था मैं कर दूंगा। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी टीएमसी दबाव में नहीं आना चाहती, इसीलिए सुनियोजित तरीके से आक्रामक बयान दिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर उत्तर प्रदेश के जेलों में अब अंग्रेजों का काला कानून नहीं चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैदियों का ख्याल रखते हुए 100 साल पुराने जेल मैनुअल में कई बदलाव कर दिए हैं। एक मिनट के अंदर पूरी रिपोर्ट देखिए। यूपी की जेलों में रहने वाले कैदियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत दी है।
100 साल पुराने अंग्रेज जमाने के जेल मैनुअल में सीएम योगी ने कई बदलाव किए हैं। खास तौर पर महिला कैदियों के लिए भी कई फैसले लिए गए हैं। अब जेलों में त्योहारों के मुताबिक भोजन बनाने की व्यवस्था होगी। अब यूपी की जेलों में हिंदू त्योहार पर खीर बनाई जाएगी, साथ ही मुस्लिम त्योहार पर खजूर की व्यवस्था होगी। जेल में पैदा हुए बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाएगा और इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च सरकार उठाएगी। जेल में बच्चों के खेलने के लिए पार्क की भी व्यवस्था होगी। जेल की बंदी महिलाओं के लिए भी योगी सरकार ने कई फैसले लिए हैं। महिला कैदी साड़ी की जगह सलवार सूट भी पहन सकती हैं। महिलाओं को शैंपू और बाल कटवाने की सुविधा भी मिलेगी। खास बात यह है कि महिला कैदी जेल में मंगलसूत्र पहन सकती हैं। साथ ही महिला कैदी करवा चौथ और दूसरे त्योहार भी मना सकती हैं। कई बदलाव हमने किए हैं। काली पानी की सजा हमने खत्म की है, लोको व्यवस्था हमने खत्म की है, महिलाओं के श्रृंगार के सामान हमने कुछ बढ़ाए हैं, कैदियों के लिए टूथपेस्ट ब्रश वगैरह ये हमने छूट दी है। यूपी की जेलों में अब अंग्रेजों का काला कानून नहीं चलेगा, बल्कि योगी सरकार के नए नियम कायदे चलेंगे। इस फैसले की चौतरफा तारीफ भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अगली बड़ी खबर है कर्नाटक में पोस्टर वॉर को लेकर। कर्नाटक के शिवमोगा में शुरू हुआ है वीर सावरकर और टीपू सुल्तान का विवाद अब उड़पी पहुंच चुका है, जहां उड़पी में सावरकर का पोस्टर ना हटाने पर कांग्रेस ने आंदोलन की धमकी दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट एक मिनट में। कर्नाटक के उडुपी में ब्रह्मगिरी सर्कल पर लगे इस पोस्टर से विवाद और बढ़ गया। इस पोस्टर में वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगी हुई है। पोस्टर में जय हिंद राष्ट्र भी लिखा हुआ है। खबरों के मुताबिक इस पोस्टर पर SDPI ने भारी विरोध जताया, जिसके बाद से इलाके में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। कांग्रेस भी इस पोस्टर के विरोध में है। कांग्रेस ने अब विरोध प्रदर्शन की भी धमकी दी है। अब इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मामले का हल निकालने का भरोसा। नमस्कार, हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ सोनिका सिंह और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के पीछे में लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, ऐसे हिंदुस्तान की खबर का अब बड़ा असर हुआ है। दिल्ली महिला आयोग ने वीडियो का अब संज्ञान भी ले लिया है। खबर दिखाए जाने के बाद केस दर्ज भी कर लिया गया, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूरा मामला दिल्ली के करोलबाग से है। करोलबाग पीजी की भी पूरी घटना है। पीजी के सिक्योरिटी गार्ड ने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की थी, सीसीटीवी में कैद भी हो गई है पूरी ये शर्मनाक वारदात, शर्मनाक करतूत। वीडियो में लड़की से छेड़छाड़ करते एक शख्स नजर आया है, ये वीडियो आपके सामने है। पीजी के सिक्योरिटी गार्ड ने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की है। हालांकि अब जी हिंदुस्तान पर जब इस खबर को दिखाया गया तो उसके बाद इसका असर भी हुआ है। मामले में FIR दर्ज हो चुकी है और हिंदुस्तान की खबर का बड़ा असर हुआ, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तस्वीर आपके सामने है और इसी फुटेज के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको जानकारी दें कि दिल्ली के करोलबाग का ये पूरा मामला, जहां पर एक पीजी है और उस वही पीजी की ये पूरी घटना जो है वो सामने आई है, और वहां पर देखिए लगा था कैमरा और उस कैमरे में पूरी जो करतूत है वो कैद हो गई। और अब वक्त हो गया है 2 मिनट में हिंदुस्तान का। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर टायर जलाए। शोपियां में हुए कश्मीरी पंडितों के हमले का दूध। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने निकाला विरोध मार्च, जमकर की नारेबाजी, सरकार से सुरक्षा देने की मांग की गई। 48 घंटे में कश्मीरी पंडितों पर आतंकियों का दूसरा हमला। शोपियां में कश्मीरी पंडितों के मोहल्ले में मौजूद CRPF के बंकर पर ग्रेनेड अटैक, आतंकियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम बस हादसे में शहीदों को आखिरी सलाम, श्रीनगर में सेना के जवानों ने दी है उन्हें श्रद्धांजलि। पहलगाम बस हादसे में शहीद हुए ITBP के जवानों को LG मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी। मनोज सिन्हा ने जवानों के पार्थिव शरीर को भी दिया कंधा। जम्मू के सिदरा से सनसनीखेज मामला आया सामने। सिदरा इलाके में एक घर में 600 मिलने से अड़कम, सभी शव एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुकेश चंद्रशेखर मामले में एक्ट्रेस जैकलिन को ED ने बनाया आरोपी, 215 करोड़ की वसूली केस में जुड़ा है मामला। एक्ट्रेस जैकलिन की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, जैकलिन पर ED आज दाखिल करेगी चार्जशीट। महाराष्ट्र के गोंदिया में यात्री ट्रेन ने मालगाड़ी को पीछे से मारी टक्कर, 3 डिब्बे पटरी से उतरे, 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से हुए घायल। यूपी के आगरा में तिरंगा यात्रा के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई। लोहा मंडी थाने में 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। आगरा में तीनों युवकों पर तिरंगा रैली में पाकिस्तान का नारा लगाने का आरोप, वायरल वीडियो पर पुलिस का एक्शन भी आया सामने। आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का मामला, DPC अमृजेश पाठक ने कहा ऐसी कार्रवाई करेंगे कि एक नजीर बनेगी, उनके कई पुश्ते याद रखेंगे।
लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों के लिए आज से एटीएस करेगी पूछताछ। आतंकी नदीम और सैफुल्लाह को 12 दिन के रिमांड पर लिया गया। लखनऊ में आतंकी हबीबुल सैफुल्लाह को लेकर खुलासा, रहा हिदायत ग्रुप से जुड़ा था हबीबुल, पाकिस्तानी हैंडल ने बनाया था ग्रुप। बिहार में कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भगौड़ा, कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोर्ट में वारंट जारी, अपहरण केस में फरार चल रहा है कार्तिकेय सिंह। विपक्ष को एकजुट करने के लिए देश का दौरा करेंगे नीतीश, जेडीयू का दावा मोदी का विकल्प बनेंगे नीतीश कुमार। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारी शुरू, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज लॉन्च कर चुके हैं मेक इन इंडिया नंबर वन कैंपेन। केजरीवाल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दोपहर 1 बजे लॉन्च करेंगे कैंपेन, 2024 के आम चुनाव के लिहाज से बेहद अहम कैंपेन। ममता की जगह अभिषेक का चेहरा, टीएमसी के पोस्टर से ममता बनर्जी गायब, नए टीएमसी बनाने के नारे के पोस्टर के साथ पता कोलकाता। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करते हैं। बिहार में नीतीश और तेजस्वी सरकार की बड़ी फजीहत हो रही है। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह कानून की नजर में भगौड़ा है। बिहार के कानून मंत्री के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुआ है। अपहरण केस में फरार चल रहे हैं कार्तिकेय सिंह। कल कार्तिकेय सिंह ने कानून मंत्री पद की शपथ ले ली है। बिहार के कानून मंत्री ने कानून की धज्जियां उड़ा दी, सरेंडर की बजाय कल मंत्री पद की शपथ ली है। 2014 में अपहरण के केस में वॉन्टेड है कार्तिकेय सिंह, बाहुबली आनंद सिंह के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। आपको जानकारी दे कि मास्टर साहब के नाम से मशहूर है कार्तिकेय सिंह। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली, कानून मंत्री बने लेकिन धज्जियां खुद उड़ा दी हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाए जाने पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का नीतीश सरकार पर हमला, अपहरण केस में जेल जा चुके कार्तिकेय को मंत्री बनाया गया, बाहुबली अनंत सिंह के पार्टनर कार्तिकेय को मंत्री बनाया गया। आपराधिक छवि वालों को नीतीश ने बनाया है मंत्री, इस बात का जिक्र सुशील। बिहार के हाँ कानून के नजरों में फरार घोषित हुए, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या इस तरह से बिहार का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा क्योंकि कानून मंत्री खुद फरार है कानून के नजरों में? देखिए, जो कानून मंत्री हैं कार्तिकेय सिंह, ये अनंत सिंह के राइट हैंड हैं, इनको कल राजद कोटे से मंत्री बना दिया गया, कानून मंत्रालय इनको दे दिया गया। ये किडनैपिंग के मामले में फरार है, इनको 16 अगस्त को कोर्ट के अंदर सरेंडर करना था। ये सरेंडर करने के बजाय ये राजभवन पहुंच गए, वहाँ इन्होंने शपथ ले लिया। नीतीश जी की पूरी जानकारी में कि इन्होंने शपथ लिया, इन पर वारंट है क्योंकि मंत्री बनाने के पहले वेरिफिकेशन रिपोर्ट आती है। या तो वेरिफिकेशन रिपोर्ट को दबा दिया गया या क्या हुआ, ये तो मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। अगर कहीं गलती हो गई तो कार्तिकेय सिंह को और मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करना चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों के बदौलत आप बिहार के अंदर सुशासन नहीं दे सकते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर से आप कोई समझौता नहीं कर सकते। क्या वजह लगती है कि नीतीश कुमार ने मतलब आनंद फानंद में ऐसे ये फैसला ले लिया है? नहीं देखिए, वो दबाव में है, राष्ट्रीय जनता दल के 115 विधायक हैं और राष्ट्रीय जनता दल में तो ऐसे लोगों के भरमार है, वहाँ तो शरीफ लोग बहुत कम मिलेंगे। अधिकांश जो बलात्कार से जुड़े जिन पर मामले हैं, एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट, किडनैपिंग, मारपीट, अटेम्प्ट टू मर्डर, इसी तरह के मामलों से जुड़े अधिकांश लोग हैं, तो वैसे लोगों को अपने मंत्रिपरिषद में शामिल किया है तो आगे और सारी घटनाएं घटेंगी जो हैं। इसलिए शुरुआत बहुत खराब हुई, पहले तो आनंद मोहन की घटना और अब ये कार्तिकेय सिंह का मामला। तो मैं नीतीश जी से यही अपील करूंगा कि अविलंब कार्तिकेय सिंह को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया जाए। सर, आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार एक विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे, क्या ऐसे बाहुबली विधायक और मंत्रियों के समर्थन से क्या विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बन पाएंगे 2024 में? देखिए, कोई चेहरा वरा बनने वाले नहीं है, उनको गलतफहमी है, उनकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सदाशिव के साथ जी मीडिया। तो सुशील मोदी को आप सुन रहे थे जिन्होंने इस बात का जिक्र करके, देखिए सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। और देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अब लगातार बीजेपी नीतीश सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। महागठबंधन की सरकार को घेरने की लगातार पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। मीनाक्षी लगातार बनी हुई है हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर। मीनाक्षी, और ये देखिए, इसी बात का हम जिक्र हमेशा से कर रहे हैं कि जब से सरकार का गठन हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही तमाम जो पार्टियां हैं विपक्ष की, वो हमलावर हैं। अब उसी पर कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार घेरती हुई दिखाई दे रही है।
बिल्कुल देखिए सचिन, जब से नई सरकार बनी है तब से बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर निशाना भी साध रही थी और आरजेडी जब जब रहेगी सत्ता में तब तब इस तरह के सवाल उठेंगे भी, हो भी वही रात। लेकिन पिछले दो दिनों में जिस तरह की खबरें सामने आया, आप आनंद मोहन वाला मुद्दा उठा लीजिए या आप जिस तरह से कार्तिकेय सिंह वाला मुद्दा है, ये दोनों मामले एक बार फिर आरजेडी को घेर रहे हैं और उसके जंगल राज जिसका जिक्र बार बार होता है आरजेडी को जोड़कर, उसका कहीं ना कहीं उसको लेकर सवाल यहां पर उठ रहे हैं। देखिए बड़ा सवाल यह है कि कार्तिकेय सिंह जो साल 2014 में किडनैपिंग के मामले में दोषी हैं, वारंट जारी है कोर्ट से, इसके बावजूद आखिर उन्हें मंत्रालय कैसे दे दिया गया, मंत्रालय में भी कानून मंत्रालय कैसे दे दिया गया जो खुद कानून की नजरों में इस वक्त फरार है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। जबकि इसके लिए खुद देखिए तेजस्वी यादव दिल्ली गए, लालू यादव से मुलाकात की, वहां बैठ के पूरी सूची को तैयार किया गया, तो क्या बैकग्राउंड नहीं देखा गया, ये बड़ा सवाल यहां पर है सचिन की, क्या बिना बैकग्राउंड देखे कार्तिकेय सिंह को ये बड़ी जिम्मेदारी राज्य की सौंप दी गई। अब यहां रहने वाले लोगों के मन में भी ये सवाल उठेगा कि खुद जो कानून मंत्री है वो कानून की नजरों में फरार है, उसने इतने दोष कर रखे हैं, अब वो राज्य के कानून बिना बैकग्राउंड देखे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई, लेकिन अब जब सच सामने आ चुका है तो क्या अब एक्शन होगा कि नहीं? अब नजरें सभी की इसी पर और उम्मीद यही है कि शायद एक्शन लेंगे तेजस्वी यादव भी, नीतीश कुमार भी, लेकिन मजबूरी यहां पर नजर आ रही है क्योंकि देखिए इतना भी बात कर रहे थे सुशील मोदी, उनका भी आपने सुना, उनकी पूरी बातचीत आपने सुनी, बड़ा प्रेशर है यहां पर नीतीश कुमार पर भी क्योंकि विधायकों की संख्या ज्यादा है आरजेडी की, और अब जिस तरह से गठबंधन हुआ, क्या डील हुए हैं उसमें, अगर मजबूरी है तो कोई इसमें एक्शन लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है यहां पर एक्शन आरजेडी की तरफ से लिया जाना जरूरी इसलिए है क्योंकि भविष्य का मुख्यमंत्री खुद को तेजस्वी यादव देखना चाहते हैं बिहार में, ऐसे में डिप्टी सीएम इस वक्त वो हैं और ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं देखिए पार्टी से बर्खास्त किया जा सकता है सबसे पहले। मीनाक्षी देखिए जिम्मेदारी सबको सौंप दी गई, जिम्मेदारी सबको सौंप दी गई, पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज थी, लेकिन ये जब तमाम आरोप लग रहे हैं तो अब इससे तो पूरी महागठबंधन सरकार की किरकिरी हो चुकी है, कैसे बचेंगे इससे सरकार? देखिए इससे बचना मुश्किल है, इससे बचना सचिन बहुत मुश्किल है क्योंकि ये जो दोष है, ये जो आरोप है, पिछले दो दिनों में जो मामले सामने आए हैं वो बहुत बड़े हैं, तेजस्वी यादव को अब सोच समझकर कदम उठाना होगा अगर वो मुख्यमंत्री आगे खुद को देखना चाहते हैं बिहार का, तो क्योंकि राज्य की जनता की नजर है उन पर, अब वो देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव बड़े बड़े दावे कर रहे हैं लेकिन अब वो क्या करेंगे, क्या वो कार्तिकेय सिंह पर कोई बड़ा एक्शन लेते हैं या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं? लेकिन देखिए एक बात समझिए इस बात को सचिन, क्या आंख मूंद कर मंत्रालयों को बंटवारा कर दिया क्या, जो कानून मंत्रालय जो है कार्तिकेय सिंह की झोली में चला गया, जिन पर इतना बड़ा आरोप है, वो किडनैपिंग के मामले में दोषी है, 2014 का पूरा मामला है, तो क्या आंख मूंद कर आप मंत्रालय का बंटवारा कर रहे थे, जो कार्तिकेय सिंह की झोली में आपने कानून मंत्रालय डाल दिया, अब जब वो क्योंकि देखिए बहुत साफ है सब कुछ पता था तेजस्वी यादव को भी, नीतीश कुमार को भी, हर कोई ये जानता था कि कार्तिकेय सिंह कौन है, क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या क्या उन्होंने किया है नहीं किया है और कोर्ट से फरार है, इसके बावजूद आखिर किस लिए क्यों, तो यही माना जा रहा है कि एक प्रेशर है और शायद किसी प्रेशर में आकर उन्होंने ये मंत्रालय उनको दे दिया। बहुत बड़ा मंत्रालय, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कानून मंत्रालय की क्योंकि कानून व्यवस्था अगर किसी राज्य का खराब है तो वो राज्य किसी भी सूरत में विकास या विकसित नहीं हो सकता है। बिल्कुल मीनाक्षी, वो राज्य अगर कानून व्यवस्था खराब है तो विकसित कैसे करेंगे, और बिहार में नई सरकार बनने के बाद ही विवादों में लगातार ये सरकार घिर गई है। नीतीश कुमार जो खुद को पीएम चेहरे के तौर पर आगे रख रहे हैं, महत्वाकांक्षी उनका ये वो चाहते हैं पीएम भी बनना, तो क्या इस तरीके से बनेंगे, क्या लग रहा है आपको आगे की राह आसान हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं सोनिका, बिल्कुल ये आसान राह नहीं होने वाली। एक तरफ नीतीश कुमार तो अब राज्य की राजनीति से उठकर केंद्र की राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, अब वो प्लान कर रहे हैं कि अलग अलग राज्यों के नेताओं से मुलाकात करें, विपक्ष को एकजुट करें, तो तेजस्वी यादव खुद को राज्य का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से सवालिया निशान उठने लगे हैं नई सरकार पर, सरकार बनते ही पहले आनंद मोहन जो जिला अधिकारी की हत्या का आरोपी है, आजीवन कारावास की सजा उसको मिली हुई है, वो बाहर निकलता है, फोटो खिंचवाता है, जनता दरबार लगाता है, दूसरी तरफ अब कार्तिकेय सिंह का मामला, तो सवालों के घेरे में और बीजेपी भी मौका नहीं छोड़ेगी, और देश की जनता, राज्य की जो जनता है, बिहार की जो जनता है, वो भी इतनी जागरूक। आपको बताऊं ये वो राज्य है जहां बच्चा राजनीति की समझ रखता है, और यहां पर अगर इस तरह की चीजें यहां की राजनीति में होंगी तो ये जो भविष्य जब वोट करने जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने मीनाक्षी, आप लगातार नजर बना के रखिए क्योंकि देखिए आपने भी इस बात का जिक्र किया कि बिहार की राजनीति
की बच्चा बच्चा जानता है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का नीतीश तेजस्वी पर बड़ा हमला, ये बड़ी खबर। बिहार सरकार के कानून मंत्री को कल सरेंडर करना था, लेकिन साहब जाकर पद और गोपनीयता की शपथ ले लेते हैं, ये बड़ी खबर। सरकार बनते ही बाहुबली आनंद मोहन ज्वेल की घर में मिले, सीएम नीतीश की लाचारी साफ दिख रही है, इस बात का जिक्र अमित मालवीय ने किया। तो देखिए मीनाक्षी, सरकार बनी नहीं है कि विवादों में बिखर चुके हैं और एक के बाद एक सभी पार्टियां हो चाहे नेता हो वो निशाना भी साध रहे हैं। देखिए निशाना साधा जाएगा, मैंने पहले भी कहा राजनीति है, अगर इस तरह का मामला सामने आया है, जब से सरकार बनी थी पहले से ही बार बार बीजेपी जो है जंगल राज का जिक्र करने लगी थी। आरजेडी सत्ता में रहेगी तो जंगल राज का जिक्र होगा, क्यों होगा ये हम और आप बेहतर जानते हैं। लेकिन अब देखिए जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पहले हुआ कुछ दशकों में वो फिर लौट कर आएगा वैसा राज, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसको आजीवन कारावास है वो बाहर निकल कर तस्वीरें खिंचवाता है, कार्तिकेय सिंह, जिन पर कानून से फरार होने का ठप्पा लगा है, वारंट जारी है, उनको सरेंडर करना था, वो पद गोपनीयता की शपथ ले लेते, आखिर ऐसा हो कैसे जाता है? क्या या जानबूझ के इसको नहीं देखा गया, या देखते हुए भी सोच समझ कर ये पद उनको दे दिया गया? कई बड़े सवाल यहां पर सोनिका है, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि आने वाला समय जो है ना तेजस्वी यादव के लिए और ना ही नीतीश कुमार के लिए आसान रहने वाला है बिहार के अंदर किसी भी तरह से, क्योंकि हर तरह जिस तरह खबरें अब सामने आ रही है। देखिए पूरा आरजेडी, आप अभी सुशील मोदी को सुन रही थी, या अकेले श्रीकांत सिंह हैं ऐसा नहीं है, नाम सामने आ गया, पता चल गया, बड़ा मंत्रालय इनके पास था, इनको सरेंडर करना था इसलिए खबर सामने आ गई, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो धीरे धीरे करके हो सकता है सामने आए या ना भी आ पाए, जिन पर इस तरह के आरोप मीनाक्षी बहुत तरह के। मीनाक्षी देखिए बिहार की राजनीति को आप भी बखूबी समझती हैं और लगातार कई दिनों से आप बिहार में हैं, तो वहां पर ग्राउंड जीरो पर आप जान रही हैं, समझ रही हैं कि आखिर वहां पर कैसे रिएक्शन इस महागठबंधन की सरकार को लेकर सामने आ रहे हैं। बड़ा आरोप जब भी लालू यादव की सरकार रही तो यही आरोप लगता है कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो लालू यादव के करीबी है वो उनके लिए कुछ करते तो उन्हें आगे सबसे फ्रंट लाइन पर रखते हैं, और वही आरोप जो है अब कहीं ना कहीं उनके बेटे डेप्यूटी सीएम पर लग रहे हैं। तो तेजस्वी को तो इन तमाम चीजों से बचना होगा, लेकिन वो बच नहीं रहे हैं। और तेजस्वी यादव सचिन से बच भी नहीं पाएंगे, ये आरोप बहुत गंभीर है। अनंत मोहन वाला कल का मामला, उससे बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है आरजेडी ने, लेकिन हो नहीं पाएगा, इतना आसान है नहीं। और अब श्रीकांत, ये कार्तिकेय त्यागी वाला जो पूरा मामला है, इससे भी वो नहीं बच पाएंगे, क्योंकि सोचिए ना, आप खुद सोचिए, कानून मंत्रालय उनको दिया गया, बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय। देखिए दो चार मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें वित्त होता है, ये शिक्षा मंत्रालय होता है, अपना कानून मंत्रालय होता है, लेकिन कानून मंत्रालय उनको दिया गया है, तो सवाल उठेंगे और घेरेगी भी बीजेपी इस पर बार बार, क्या आखिर कैसे आपने ये मंत्रालय उनको सौंप दिया। अब तेजस्वी यादव इस पर प्रतिक्रिया देते हैं या इससे भी पल्ला झाड़ते, अगर वो पल्ला झाड़ने की कोशिश करेंगे सचिन, तो भी वो बच नहीं पाएंगे, मामला बहुत गंभीर है, इससे बचना आसान नहीं है। अब क्या वो उनको बर्खास्त करेंगे, उनका मंत्री पद ले लेंगे, ये होता है या नहीं, क्योंकि होना कायदे से या होना चाहिए, कानून मंत्री जिसके लिए वारंट जारी है उसे कोर्ट में पेश होना है, उसको अरेस्ट करना है, आप उसको मंत्री पद देते हैं, कानून मंत्री बना देते हैं, तो देश की जनता, राज्य की जनता के मन में तो ये सवाल होगा ना कि हमारी रक्षा का क्या, कल हमारे साथ कुछ होता है तो कानून कहां, कानून हमें बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, तो ये बहुत सारे सवाल है। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी जो लगातार बिहार सरकार को अब घेरने में लगी हुई है, अब ये जो तस्वीर सामने निकल कर आई है बिहार सरकार की कि आपके ही जो मंत्री है वो अपराधों में लिप्त है, ऐसे में बीजेपी को इसका कितना फायदा होगा? और देखिए हमारे साथ अजय आलोक जुड़े हुए हैं, जो कि जेडीयू के पूर्व नेता हैं। अजय आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़े आरोप लग रहे हैं इस महागठबंधन की सरकार पर, कानून मंत्री बने हैं लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर को ही लेकर घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग कहां एक छोटी छोटी बातों को उठा रहे हैं भाई, कोई मसला है, कोई बात है, हो गया है, आरोप लगे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, तो वारंट वारंट निकला है, वारंट पे स्टे लग गया है 22 सितंबर। छोटी मोटी बात है सर, सर छोटी मोटी बात है सर, जिस दिन आपको कोर्ट में पेश होना होता है उस दिन आप जाकर पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं, ये छोटी बात है सर? अरे ये सब होते रहेगा, ये सब ऑर्डर ऑफ द डे है, सब कहां खबर बना रहे हैं, खबर आप बनाइए बिहार में। सर आप देखिए कानून मंत्री आपने बनाया है, कानून का ही पालन नहीं कर पाए हैं ये। अरे मैं क्यों कानून मंत्री बनाने जाऊंगा भैया, जिसने बनाया है उनसे पूछिए, लेकिन ये सब ऑर्डर ऑफ द डे है, अब ये सब चलते रहेगा, प्रधानमंत्री बनना है, अब इसका छोटी छोटी बात को आप लोग चलाएंगे तो कैसे होगा, छोड़िए सब खबर को ड्रॉप कीजिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि अब जो सरकार आई है, जो सरकार आई है वो ऐसे काम करते रहेगी? सरकार तो अभी काम करना शुरू की है, पहले ही दिन आप लोगों ने इतना काम निकाल दिया,
तो और काम बढ़ जाएगा ना, ये सब चलते रहेगा, ऑर्डर ऑफ द डे है बिहार का, ये सब कोई नई बात नहीं। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और देखिए लगातार तमाम तस्वीरें जो हम आपको दिखा पा रहे हैं और इस बात को बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि देखिए लगातार जो विपक्ष में बैठी भाजपा की जो पार्टी है वो लगातार विरोध कर रही है और खास तौर पर अगर हम बात करें तो निशाना साधने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अनंत सिंह की तस्वीरें हैं जब उनके बगल में कार्तिकेय सिंह है, बहुत करीबी माने जाते हैं। वही दूसरी ओर ये देखिए पद और गोपनीयता की जब शपथ कार्तिकेय सिंह ने ली उस दिन की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन भाई दूसरी ओर खुद कानून मंत्री हैं लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो मीनाक्षी लगातार बनी हुई है हमारे साथ। मीनाक्षी देखिए आरोप लगातार लग रहे हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, रिएक्शन सामने आ रहे हैं कि सुशील मोदी का इस बात का जिक्र करना है कि अब ऐसे ही महागठबंधन की सरकार रहेगी तो जंगललाल वापस आ चुका है। बिल्कुल, और देखिए सचिन मैं भी अजय आलोक उनको भी सुन रही थी, बड़े वह आसानी से कह रहे थे, कह रहे छोड़िए ना आप, ये कहाँ इस मुद्दा को उठा लिए, लेकिन ये मुद्दा आप छोड़ देंगे बिहार की जनता नहीं छोड़ेगी। बहुत गंभीर मामला है, कानून मंत्री है, कैसे इस मामले को छोड़ दिया जाए, इस मामले की गंभीरता को शायद ही समझ नहीं रहे। नई सरकार आई है, बार बार वापसी कर जा रही है जेडीयू सत्ता में, लेकिन समझिए इस तरह का मामला होगा तो आगे इनके लिए जो रहा है ना राज्य में आसान होगा ना केंद्र में आसान होगा। बहुत आसानी से वो कह रहे थे कि आप छोड़िए ना, प्रधानमंत्री का बात हो रहा है, प्रधानमंत्री की में बात कीजिए, वो तो आगे जा रहे, इतना आसान होगा नहीं। बहुत ही देखिए गंभीर मामलों को कितने आराम से टरका देते हैं बिहार के नेता, ये आपने अभी अजय आलोक को सुनकर समझ लिया होगा, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है क्योंकि राज्य की जनता की सुरक्षा का सवाल है। कानून मंत्रालय जिसको सौंपा गया वो खुद कानून की नजरों में फरार है, ऐसे कैसे चलेगा ये समझना होगा सचिन। तो मीनाक्षी देखिए जिस तरीके से अब इस सरकार विवादों में घिरी है, यहाँ पे सवाल है कि आम जनता इस वक्त क्या सोच रही होगी, क्योंकि आम जनता को उम्मीद होती है कि सरकार उनके लिए काम करेगी, उनके मुद्दे उठाएगी, लेकिन आप तो अपने ही मंत्रियों के साथ घिरे हुए हैं विवादों में। बिल्कुल देखिए आम जनता इस उम्मीद में होती है कि सरकार है, अगर आप किसी मामले में फंसते हैं या कोई दिक्कत आपको होती है तो कानून आपको बचाएगा, सरकार आपकी मदद करेगी, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पे परिस्थितियां बन रही है बिहार में, पिछले दो दिनों में जो मामले सामने आए उसको देखकर ये लग रहा है कि बहुत मुश्किल होने वाला है यहाँ की जनता के लिए और खुद अब आरजेडी के लिए भी। अगर ऐसे मामले सामने आते रहेंगे तो जो सपना देख रहे हैं तेजस्वी यादव 2025 में फिर चुनाव लड़कर और उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन जाने का, तो मुझे लगता है इतना आसान ये राह होगा नहीं उनके लिए। बार बार जैसे मामले सामने आ रहे हैं उनके सामने बड़ी चुनौती है, ढाई साल उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो काम करेंगे और उप मुख्यमंत्री के तौर पर एक जिम्मेदारी उनके पास है, वो कैसे आगे बढ़ते हैं, उनको अपने साथ साथ पार्टी की छवि को भी क्लीन रखना होगा। आपको याद होगा बार बार जब जब आरजेडी का जिक्र होता है आज के दिन में भी तब तब जंगलराज का जिक्र कर दिया जाता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और देखिए अगर हम गौर करें तो जैसे ही तेजस्वी यादव ने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली थी, नीतीश सरकार ने शपथ ली थी, उसके बाद हम देख रहे थे किस तरीके से अटैकिंग मोड में थे ग्राउंड पर, फील्ड पर अगर हम बात करें इस पॉलिटिक्स की तो काफी अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब तो डिफेंडिंग मोड में भी नहीं है, गायब है फील्ड से। बिल्कुल अटैकिंग मोड में भी नहीं है, और ये भी समझने वाली बात है कि वो तेजस्वी यादव जो हर मुद्दे पर अपनी राय देते हैं और राज्य की ही नहीं, अगर किसी और राज्य की सियासत का कोई मुद्दा है तो उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देने से वो पीछे नहीं हटते हैं, अब जब उनकी पार्टी पर उनके अपने मंत्रियों पर सवाल उठ रहा है तो अब तक वो कहाँ है, और वो सामने आएंगे तो क्या बोलेंगे इसका। तो इधर से भी कानून मंत्री जो है निकल सकते हैं, तो ये दोनों रास्ता है, हम भी इंतजार कर रहे हैं, पूरी मीडिया जो है कानून मंत्री का इंतजार कर रही है। देखिए कि जहाँ भी नज़र दौड़ाइए पूरी जो है मीडिया कर्मी जो है, पटना के जो मीडिया कर्मी हैं वो तमाम मीडिया कर्मी जो हैं वो खड़े हैं, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कानून मंत्री कब निकल रहे हैं और अपने बारे में जो है जो उनके बारे में जो आरोप लगे हैं उस पर जो है वो कब उसका सफाई दे रहे हैं, कब अपनी बातों को रख रहे हैं मीडिया के सामने, तो हम भी इंतजार में हैं। लेकिन अभी एक गाड़ी जो है निकली थी, हमें शक था कि कानून मंत्री उस गाड़ी से निकल रहे हैं, लेकिन उस गाड़ी के पास जाने के बाद पता चला कि उसमें कानून मंत्री थे। और कार्तिकेय सिंह मामले पर जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा ने कहा यह मामला कोर्ट से जुड़ा हुआ है, सरकार सब देख रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास के लिए जाने जाते हैं, और अगर कोई गलत होगा तो बचेगा नहीं, अगर सही हुआ तो भी उसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। क्या कहा है सुनिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस चीज की डायरेक्ट समीक्षा करते हैं और सारे जो है सो सारे चीज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास है, गृह विभाग से लेकर के और होम जितने हैं सब उनके पास है, जो गलत करेंगे वो बचेंगे नहीं और सही आदमी फंसेंगे नहीं,
हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं सो न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, यह उनका पुराना रहा है। और बच गया जो चीज़ आपने सवाल हमसे पूछा है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी सब चीज़ को देखेंगे कि किस पर क्या मामला है उसको देखेंगे। और हमारे साथ राजीव रंजन जेडीयू नेता जुड़े हुए हैं। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर क्या हो रहा है, सरकार बनी आपकी और ऐसे तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं आपके ही मंत्रियों पर, आपकी सरकार में? आरोप लगाने वाले लोग अपने गिरेबा में क्यों नहीं जाते? पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश चुनाव के एडीआर की रिपोर्ट देख ली, सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने। सर ठीक है सर, आएंगे आपके पास। ये देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि एक निशानी रह गई बढ़िया, जिसको सब यादगार रह गए, आने वाली पीढ़ी जो है वो उसको याद करेगी कि उसमें कौन कौन से लोग थे, जिसे पहले शताब्दी का बना था उस तरह से इसका भी बना, तो सवा बैठक की शताब्दी बना शताब्दी, तो ये बहुत ही मार्केबुल बात है और बहुत ही इतिहास में याद करने की बात है। इसके लिए मैं सबको अपने माननीय सदस्यों को बहुत बधाई देता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इन्होंने आकर इसका उद्घाटन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी सर, विधि मंत्री में सवाल खड़े हो रहे हैं सर, उनके खिलाफ में वारंट है, आपके कार्यमंत्री जिनको बनाए हैं उनके खिलाफ में वारंट है, टैपिंग करने का ग्राम हटा क्यों उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिक के पे? नहीं नहीं वो नहीं पता इसके बारे में जानकारी हमको सर। बीजेपी कह गौरव भाई तो नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री है उनको आप सुन रहे थे। और देखिए किस तरीके से एक पत्रकार ने सवाल किया कि देखिए कार्तिकेय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, फरार चल रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने इस बात का जिक्र किया कि मुझे इसके मामले में जानकारी ही नहीं है, और वहां पर कुछ भी बोलने से कतराए और वहां से निकल गए। इस बात का जिक्र नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन देखिए भाई, दूसरी ओर विपक्ष में बैठी भाजपा पार्टी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है, महागठबंधन की सरकार पर तमाम बड़े सवाल खड़े कर रही है। नमस्कार, मैं आपके साथ सोनिका सिंह, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान, और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद, और आपको सीधा कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल कल पहलगाम में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, आईटीबीपी के जवान शहीद हो गए थे, बस उनकी खाई में गिर गई थी, और उस वक्त आप देखिए इस वक्त की ये अहम तस्वीरें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं और उन जवानों के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। तो कल ये पहलगाम में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ था जहां पर हमारे जवान शहीद हो गए थे, कई जवान घायल है जो अभी भी अस्पताल में भर्ती है, 7 जवान शहीद हो गए थे, अब उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, तमाम वहां पर सेना के अधिकारी मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वहां पहुंचे हैं, खुद पार्थिव शरीर को हाथ लगाया है, कंधा दिया है। तो देखिए तस्वीरें, ये जो दर्दनाक हादसा कल हुआ उसमें कई जवान घायल हो गए, कई जवान शहीद हुए, आईटीबीपी के जवान थे, अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी में तैनात थे, लेकिन जब वापस लौट रहे थे तो ये भीषण हादसा हो गया। जी हाँ, अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी में ये सभी के सभी आईटीबीपी के जवान तैनात थे, और जब वहां से उनकी बस नीचे उतर रही थी तो पहलगाम में ये दर्दनाक हादसा हो गया। तकरीबन 500 मीटर नीचे उनकी बस जा गिरी थी, और उसके बाद तकरीबन 7 आईटीबीपी के जवान इस हादसे में शहीद हुए, कई जवान घायल हैं, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन आप ये देखिए कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम आईटीबीपी के तमाम अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के भी जवान नजर आ रहे हैं, लेकिन खुद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पहुंचे हुए, और ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि उनको इस हादसे का कितना दर्द है, वो खुद जवानों के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तस्वीर बीते दिन के हम आपको दिखा रहे हैं जब ये हादसा हुआ था, इन तस्वीरों को देख के आप समझ सकते हैं कि कितना दर्दनाक रहा होगा, पूरी की पूरी बस खाई में गिर जाती है। हालांकि पहले कहा गया था कि बस का ब्रेक फेल हो गया, लेकिन जांच अभी चल रही है कि आखिर कारण क्या रहा इस तरीके से बस का खाई में गिर जाने का, जिसके बाद हमारे जवान जो है वो शहीद हो गए। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अभी की सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं, शहीदों को नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही है, उनका पार्थिव शरीर सभी सेना के अधिकारियों ने कंधा दिया है, मनोज सिन्हा उपराज्यपाल खुद वहां पहुंचे हैं, पूरा देश उनकी शहादत को याद कर रहा है।
तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं और एलजी मनोज सिन्हा भी खुद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और अब आगे रुख कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी आज लॉन्च करेगी नेशनल कैंपेन, अपना थोड़ी देर में लॉन्च किया जाएगा आम आदमी पार्टी का मेगा कैंपेन, तालकटोरा स्टेडियम में केजरीवाल इसकी शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि 2024 के आम चुनाव के लिए आम आदमी की यह बड़ी तैयारी मानी जा रही है और माना जा रहा है कि उसकी शुरुआत एक तरीके से आम आदमी पार्टी ये करने वाली है। देश भर में दौरा करेंगे इसके तहत अरविंद केजरीवाल, लेकिन आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इसका आगाज हो रहा है, इसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन असल में जो ये मेगा कैंपेन है ये चुनावी कैंपेन होगा और 2024 के लिहाज से आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, क्या कुछ खाका रहेगा, किस तरह की आगे कार्यप्रणाली अपनाई जाए, इसको लेकर के आज से ही शुरुआत हो जाएगी। तो हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद हैं, अमनदीप वहां मौजूद है और सुरभि हमारे साथ है। अमनदीप का रुख कर लेते हैं, अमनदीप क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं 2024 को लेकर तैयारी पूरी की जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी, इस वक्त तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सोनिका, देखिए तस्वीरें, सबसे पहले विवेक आप तस्वीरें दिखाइए, ये वही मंच है जहां पर दोपहर 1 बजे एक जो बड़ा शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं। देखिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, यहां पर आप लोगों को देखेंगे कि हाथों में तिरंगा लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे जो लोगों का पहुंचने का सिलसिला है वो भी शुरू होता जा रहा है और भारत माता की जय के साथ में काफी उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। तो दोपहर 1 बजे का समय बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी मंच पर देखिए पहुंचेंगे, तैयारियां पूरी कर ली गई, जब यहां पर पहुंचेंगे तो मेक इंडिया नंबर वन कार्यक्रम का जो है शुभारंभ होगा। हालांकि इसका शुभारंभ भले ही दिल्ली से हो रहा हो लेकिन इसे तमाम राज्यों में ले जाया जाएगा, ये एक तरह से माना जाए तो 2024 की जो तैयारियां हैं वो अभी से आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया। आप देखिए यहां पर भी आप देखेंगे कि महिला हो या बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो, हाथों में तिरंगा लेकर तमाम बड़े जो लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और कुछ ही देर बाद देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर पहुंचेंगे जिसके बाद में कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। तो 2024 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। जी अमनदीप, आप अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और क्या वहां पर नजारा है, कैसी तैयारियां हैं वो हम तो देख रहे हैं, लेकिन सुरभि भी हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि, दरअसल इस कैंपेन की अगर बात करें तो मेक इंडिया नंबर वन कैंपेन है ये, इसके तहत क्या खाका है, क्या फोकस है, माना जा रहा है कि असल में चुनावों पर नजर है 2024 की, आम आदमी पार्टी की उसी के तहत ये कैंपेन लॉन्च। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए जो तस्वीरें फिलहाल सामने नजर आ रही है, ये तस्वीर मैं सबसे पहले तो आपको दिखा दूं, ये एंट्री गेट है जहां से अरविंद केजरीवाल और बाकी तमाम नेताओं की भी एंट्री होगी और यहां पर सीआरपीएफ के बल भी तैनात है और ताकि सिक्योरिटी चेक भी प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। आज जो खास तौर पर फोकस रहेगा अरविंद केजरीवाल का मेक इंडिया नंबर वन, ये समझिए जरा कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का नारा पीएम मोदी की तरफ से दिया गया था, ठीक उसी तर्ज पर मेक नंबर वन इंडिया के तौर पर अब अरविंद केजरीवाल इस मुहिम की शुरुआत करें, इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, वो राष्ट्र भर में इस अभियान को जारी रखना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार युवाओं को मिल सके और लोगों को मिल सके और इसी वजह से उनका ये नारा था कि किसी भी तरीके से इंडिया को नंबर वन बनाना चाहिए। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी जिस तरीके का स्पीच दिया था वो स्पीच अगर सबने सुना होगा तो जरूर उनके बातों पर गौर किया होगा कि उन्होंने ये कहा था। बिल्कुल, हम ये देख रहे थे और इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल अपनी बातों में, अपने बहुत से एडवर्टीजमेंट में मेक इंडिया नंबर वन की बात करते रहे हैं और अब इसी को आगे बढ़ाते हुए ये कैंपेन शुरू हो रहा है। बहुत शुक्रिया अमनदीप और सुरभि, आपका नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। आगे रुक कर लेते हैं, एक और बड़ी खबर है आगरा से। आगरा में देश विरोधी नारेबाजी की गई है जिसके बाद 3 युवकों पर FIR भी दर्ज हो गई है। और सीधा रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, कार्तिकेय सिंह मामले पर बोले नीतीश कुमार, मामले की कोई जानकारी ही नहीं है, नीतीश कुमार ने कार्तिक के मामले से पल्ला झाड़ लिया है। कार्तिकेय सिंह पर अपहरण का केस चल रहा है, फरार चल रही है, इस बात का जिक्र हो रहा है। जब पत्रकार ने पूछा एक कार्यक्रम में कि आखिर नीतीश जी कार्तिकेय सिंह फरार चल रहे हैं, आपके सरकार में कानून मंत्री हैं, अभी कुछ दिनों पहले पद और गोपनीयता की शपथ ली है, तो नीतीश जी जो कि बिहार के नए मुख्यमंत्री 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने कहा कि मुझे इस पूरे मामले में जानकारी नहीं है। क्या कहा है जरा सुनिए। विधि मंत्री पे सवाल खड़े हो रहे हैं सर,
उनके खिलाफ में वारंट है, आपके कार्यमंत्री जिनको बनाए हैं उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिक के पे। नहीं नहीं पता इसके बारे में जानकारी हमको। सर बीजेपी कह तो देखा सुना आपने, नीतीश जी कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर जब पहुंचे तो तमाम पत्रकार साथी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कार्तिकेय सिंह जो हैं, जो कानून मंत्री हैं आपकी सरकार में, उन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, धारा लगे हुए हैं उन पर, कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, तो आखिर है कहां वो? आखिर इस पर आपको प्रतिक्रिया दीजिए कि आखिर आपकी पार्टी क्या करने वाली, क्या एक्शन लेने वाली है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का जिक्र किया कि मुझे इस पूरे मामले में कोई भी जानकारी नहीं है और पल्ला झाड़ते हुए आगे बढ़ गए। कार्तिकेय मामले पर बोले सीएम नीतीश कुमार कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मामले की जानकारी नहीं है। और कहीं ना कहीं देखिए एक मैसेज भी अब यहां पर दे दिया गया कि अब जो भी बिहार में हो रहा है उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया, जब कार्तिकेय सिंह का नाम सामने आ गया, उसके बावजूद भी आपके कैबिनेट के मंत्री हैं, कुछ दिनों पहले अभी पद और गोपनीयता की शपथ ली है और इतना बड़ा मामला हो चुका तब भी आपको जानकारी नहीं है, इस बात का जिक्र भी लगातार किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बीजेपी भी अब हमलावर हो गई है, उनकी तरफ से भी सवाल उठा दिए गए हैं कि आखिरकार शपथ क्यों लिया आपने, सरेंडर क्यों नहीं कर दिया। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मामले की जानकारी ही नहीं है उन्हें, अपहरण का केस दर्ज है इन पर कई धाराओं में। लेकिन अब देखिए नीतीश कुमार वो ये कहते नजर आए हैं कि उनको इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है, पूरा उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये कैसी कैबिनेट है, ये कैसी सरकार है। ये बड़ी खबर, नीतीश तेजस्वी पर सुशील मोदी का हमला सामने आया। जी वर्तमान की सरकार को लेकर सुशील मोदी का बयान आया सामने, नीतीश ने दबाव में आकर कार्तिकेय को मंत्री बनाया, ऐसा कौन सा दबाव है ये सवाल किया, फरार लोगों को मंत्री बनाया गया, ये बड़ी खबर। नीतीश कुमार को मामले की पूरी जानकारी थी, इस बात का भी जिक्र सुशील मोदी ने किया है। तो देखिए जहां एक और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, वहीं दूसरी तरफ सुशील मोदी ने ये बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार उन्होंने कहा कि उनको सब कुछ मालूम था, हमला बोला गया है, नीतीश ने दबाव में आकर कार्तिकेय को मंत्री बनाया ये कहा गया है सुशील मोदी की तरफ से, फरार लोगों को मंत्री बनाया गया, क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। बिहार के कानून मंत्री कानून के नजरों में फरार घोषित हुए, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, उन्हीं से बात करते हैं। सर क्या इस तरह से बिहार का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, क्योंकि कानून मंत्री खुद फरार है कानून के नजरों में? देखिए जो कानून मंत्री हैं कार्तिकेय सिंह, ये अनंत सिंह के राइट हैंड हैं, इनको कल राजद कोटे से मंत्री बना दिया गया, कानून मंत्रालय इनको दे दिया गया, ये किडनैपिंग के मामले में फरार है। इनको 16 अगस्त को कोर्ट के अंदर सरेंडर करना था, ये सरेंडर करने के बजाय ये राजभवन पहुंच गए, वहाँ इन्होंने शपथ ले लिया। नीतीश जी की पूरी जानकारी में कि इन्होंने शपथ लिया, इन पर वारंट है, क्योंकि मंत्री बनाने के पहले वेरिफिकेशन रिपोर्ट आती है, या तो वेरिफिकेशन रिपोर्ट को दबा दिया गया या क्या हुआ, ये तो मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। अगर कहीं गलती हो गई तो कार्तिकेय सिंह को और मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की बदौलत आप बिहार के अंदर सुशासन नहीं दे सकते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर से आप कोई समझौता नहीं कर सकते। क्या वजह लगती है कि नीतीश कुमार ने मतलब आनंद फानंद में ऐसे ये फैसला ले लिया है? नहीं देखिए वो दबाव में है, राष्ट्रीय जनता दल के 115 विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल में तो ऐसे लोगों की भरमार है, वहाँ तो शरीफ लोग बहुत कम मिलेंगे। अधिकांश जो बलात्कार से जुड़े जिन पर मामले हैं, एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट, किडनैपिंग, मारपीट, अटेम्प्ट टू मर्डर, इसी तरह के मामलों से जुड़े अधिकांश लोग हैं, तो वैसे लोगों को अपने मंत्रिपरिषद में शामिल किया है तो आगे और सारी घटनाएं घटेंगी जो हैं, इसलिए शुरुआत बहुत खराब हुई है, पहले तो आनंद मोहन की घटना और अब ये कार्तिकेय सिंह का मामला। तो मैं नीतीश जी से यही अपील करूंगा कि अविलंब कार्तिकेय सिंह को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया जाए। सर आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार एक विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे, क्या ऐसे बाहुबली विधायक और मंत्रियों के समर्थन से ही क्या विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बन पाएंगे 2024 में? देखिए कोई चेहरा वरा बनने वाले नहीं है, उनको गलतफहमी है, उनकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सदाशिव के साथ मीडिया। सुशील मोदी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि शुरुआत ही खराब हुई है, इससे पहले ही जैसे सरकार बनती उससे पहले ही विवाद हो गया था, सरकार बनने के बाद भी विवाद हो गया है, आरजेडी के नेता आनंद मोहन को लेकर के सवाल खड़े हो गए और अब कार्तिकेय सिंह को लेकर के, तो अब बीजेपी हमलावर हो गई है इस पूरे मामले पर। और देखिए अभी तक अगर हम बात करें तो किसी भी मामले पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, और जिस बात का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं कि सरकार बनने के बाद जिस तरीके से तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अटैकिंग मोड में थे, तमाम बड़े आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे थे, तो अब कहीं
कहीं ये जो बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, उल्टे आरोप जो हैं वो कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार पर लगती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। मीनाक्षी का सीधा रुख कर लेता है, मीनाक्षी ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है और देखिए नीतीश कुमार से जब एक पत्रकार साथी ने सवाल किया कि कानून मंत्री आपकी सरकार में है, फरार चल रहे हैं, मुकदमे दर्ज किए गए, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि देखिए मुझे मालूम ही नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मीनाक्षी आपको मेरी आवाज मिल रही है? मीनाक्षी आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? चलिए हमारी आवाज मेरे पास आ रही है। जी जी जी, सवाल मेरा यही पर है मीनाक्षी कि जब मुख्यमंत्री से सवाल किया गया कि कानून मंत्री हैं आपकी सरकार में, वो फरार चल रहे हैं, कुछ बोलेंगे तो कहा कि मुझे मालूम ही नहीं है कि ऊपर एक आरोप लगाया क्या करना। देखिए हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। मीनाक्षी रहने वाले हैं उनमें किसी का बैकग्राउंड ऐसा है जी। बोलिए बोलिए अपनी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। इसके बारे में आपको जानकारी ही ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और अगर जानकारी थी तो ऐसा हुआ कैसे? तो बहुत आसान है ये समझ जाना कि नीतीश कुमार ये कहकर केवल पल्ला झाड़ने की कोशिश या खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और अभी भी नहीं है। वो तो अभी भी ऐसा दिखा रहे हैं, बहुत गंभीर मामला है, लेकिन इस पर कोई भी गंभीरता से बयान देने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है सचिन। अब तो क्या मीनाक्षी जिस तरीके से पल्ला झाड़ा है नीतीश कुमार ने, क्या एक संकेत कि हाँ आने वाले समय में जंगल राज वापस लौटने वाला है? क्योंकि एक बार फिर से जिस तरीके से विवाद है, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए जो आपने सवाल किया ये बड़ा गंभीर है। यहाँ जब मैं लोगों से मिल रही थी नई सरकार का गठन होने के बाद, तो बड़ी मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ के लोगों के बीच भी इस बात को लेकर है, लेकिन पिछले दो दिनों में जो घटनाएं, जो खबरें सामने आई हैं, इसके बाद ये कह पाना कि अब आखिर आगे होगा क्या, बिहार किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये बताना समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है जो फिलहाल खबर है, जिस तरह से त्यागी की जो खबर है यहाँ पर, इसको समझना होगा, इस पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत है खुद तेजस्वी यादव को। और अगर जिस तरह से नीतीश कुमार का बयान सामने आ गया, उन्होंने बहुत आसानी से कह दिया कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि देखिए खुद तेजस्वी यादव इस पूरी लिस्ट को बनाने के लिए दिल्ली गए हैं। लालू प्रसाद यादव अपने पिता शिशिर ने मुलाकात की है, वहां पर मंथन हुआ है, लंबे मंथन के बाद पूरा जो लिस्ट है, पूरी जो सूची है वो तैयार किया गया। तो कानून मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय, महत्वपूर्ण मंत्रालय, कैसे दे दिया गया ऐसे शख्स को जिस पर पहले से ही जो गिरफ्तारी का वारंट है वो जारी है? तो बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समझना होगा और इंतजार मुझे लगता है करना होगा अभी तेजस्वी यादव के बयान का भी, उनकी प्रतिक्रिया का भी, कि वो क्या कहते हैं या कहने के बजाय सीधा कोई एक्शन लेते हैं। मीनाक्षी देखिए जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं एक एक करके, चाहे आनंद मोहन की बात कर ले, चाहे कार्तिकेय सिंह की बात कर ले, और लोगों के बीच तक भी ये जानकारी पहुंच रही होगी कि कानून मंत्री नए नए बने हुए हैं, उनके पर मुकदमे दर्ज है। जो भरोसा अगर हम बात करें, जिस बात का जिक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जनादेश का अपमान किया नीतीश कुमार ने, अब यह बात कहीं ना कहीं चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी तो कोई मौका छोड़ेगी नहीं, बीजेपी हर मौके पर घेरने का पूरा प्रयास करेगी, और अगर आरजेडी इस तरह से मौका देगी, नई सरकार इस तरह से मौका देगी, तो उनके लिए भी जो राह है आगे की इस सरकार की ढाई दो सालों की, वो आसान नहीं होने वाली, बहुत कठिन हो जाएगी। अब इस पर मैंने पहले भी कहा, इस पर तेजस्वी यादव क्या बयान देंगे इसका इंतजार करना होगा। लेकिन अगर आप राज्य की जनता के बीच की बात करेंगे, तो हर किसी के मन में ये सवाल तो जरूर आएगा कि अगर आपका कानून मंत्री ऐसा है, तो आपके साथ जब कुछ होता है तो आप कानून के पास जाएंगे, तो आपके बचाव के लिए तब क्या होगा, क्या कानून का सहारा आप ले पाएंगे अपने आप को बचाने? मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल, बहुत तरह के सवाल लोगों के मन में होंगे, और एक डर भी मुझे लगता है जरूर होगा कि कानून मंत्री ऐसा है तो आगे क्या होने वाला है, सच में समझना होगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर खड़ा होता है कि कानून मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय, मैंने पहले भी कहा था शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय, ये महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से है, ये देने से पहले तो कम से कम किसी नेता का, किसी विधायक का बैकग्राउंड जरूर चेक होना चाहिए, और अगर चेक हुआ तो फिर ये मंत्रालय क्यों उनके खाते में गया और चला गया, तो अब बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। इसी पर देखिए सुशील मोदी, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जब भी शपथ दिलवाई जाती है तो उससे पहले देखिए पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है और आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जाता है, तो नीतीश कुमार कैसे कह रहे हैं कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं?
ये बात भी आपने सही कही। देखिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है कई, देखिए सबसे पहले तो जब आप नामांकन के लिए ही जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो तब भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और अगर वो सही नहीं होता है तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वापस लौटा दिए जाते हैं, आप नहीं चुनाव लड़ सकते। तो कई लेयर्स की जो चेकिंग है वो होने के बावजूद एक शख्स न केवल नेता, विधायक और अब मंत्री बन जाता है, तो आखिर कहाँ चूक हुई इसकी जांच तो होनी ही चाहिए मुझे लगता है। इसके अलावा देखिए नीतीश कुमार का अगर हम जिक्र करें, उन्होंने जैसे कहा भी कि मुझे इस बारे में जानकारी ठीक है। मीनाक्षी आएंगे आपके पास, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आरोप लगे हैं कार्तिकेय सिंह पर उस पर बयान सामने आया है कार्तिकेय सिंह का, अपने ऊपर लगे आरोपों पर कार्तिकेय सिंह के सफाई आई सामने क्या कहा है, मैंने सारी जानकारी चुनाव आयोग को दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चुनावी हलफनामे में सारी जानकारी मैंने दे रखी है, इस बात की सफाई कार्तिकेय सिंह ने है, जो आरोप उन पर लग रहे हैं इस बात की सफाई दे रहे हैं कि देखिए जो भी जानकारी थी मेरे पास वो सारी जानकारी मैंने चुनाव आयोग को दे दी, जिसके बाद ही जो पद की प्रक्रिया थी उसमें मैंने हिस्सा लिया। क्या कहा है कार्तिकेय सिंह ने सुनिए। देखिए हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। देखिए हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। और देखिए उन्होंने किस बात का जिक्र किया कि देखिए मैंने जो भी जानकारी थी मेरे पास मैंने चुनाव आयोग को जानकारी जो है वो दे दी थी, ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। मीनाक्षी कार्यकर्ता मीनाक्षी देखिए कार्तिकेय सिंह का भी रिएक्शन जो है वो सामने आ गया, जो तमाम आरोप लग रहे थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए जो भी जानकारी थी जो भी सच्चाई है वो चुनाव आयोग के पास है, चुनाव आयोग तक मैंने हर एक अपडेट दिया है। बिल्कुल देखिए कार्तिकेय त्यागी का भी बयान सामने आ गया, उन्होंने भी कह दिया कि मैंने तो सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी थी, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने भी कहकर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन क्या आप सवाल चुनाव आयोग पर उठेंगे, क्या चुनाव आयोग ने कहीं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होता है उसकी जो पूरी प्रक्रिया कार्तिकेय सिंह वहां पर कहीं कोई गलती, वहां पर कहीं कोई चूक हुई है क्या? इसके अलावा मुझे लगता है अभी भी इंतजार तेजस्वी यादव के बयान का रहेगा, क्योंकि एक तो वो आरजेडी के मुखिया है, दूसरी तरफ उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा है अब कार्तिकेय सिंह, तो क्या उन पर वो कुछ कहते हैं या नहीं कहते हैं उसका इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए कार्तिकेय सिंह ने जरूर कह दिया है कि मैंने अपनी सारी जानकारी अपने डिटेल तो सामने रख दिए थे, इसके बावजूद अब यहां मेरी कोई गलती नहीं है इस पूरे सिनेरियो में, तो इंतजार मुझे लगता है थोड़ा और करना चाहिए हमें तेजस्वी यादव के बयान का। क्या पार्टी अब कुछ इस पर कहती है, तेजस्वी यादव इस पे कुछ कहते हैं या कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं? क्योंकि देखिए इस पर कार्तिकेय सिंह को तो कोई अफसोस नहीं है, वो तो बिल्कुल कहना साफ कह रहे हैं कि मैंने अपनी जानकारी अपने डिटेल्स दे दिए थे, इसके बाद मैंने चुनाव लड़ा, मैं विधायक बना और अब मैं मंत्री हूं, तो इसमें मेरी कोई गलती कहीं नहीं है, उन्होंने अपना चिट्ठा साफ कर लिया है। बिल्कुल, और देखिए आरोप एक ये भी लग रहे हैं, खबर ये भी एक सामने आई है कि देखिए 10 तारीख को सरकार बनती है, 12 तारीख को कार्तिकेय सिंह को लगभग एक हफ्ते के लिए राहत दे दी जाती है, और उसके बाद 16 तारीख को उनको कानून मंत्री बना दिया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो मिली जुली सरकार बनी है इसमें मिला जुला ही पूरा खेल सामने आ रहा है। मीनाक्षी बिल्कुल देखिए सवाल इस बात को लेकर भी अब ये भी है कि अब क्योंकि वो कानून मंत्री हैं तो क्या उन पर आगे की कार्रवाई होगी या नहीं, क्योंकि पहले से ही वारंट जारी था, पहले से ही उनको पेश होना था कोर्ट में, वो कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, पद गोपनीयता की शपथ ले लेते हैं दूसरी तरफ, और अब क्या उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये भी मुझे लगता है एक बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं जो तमाम ताकतें हैं उसका इस्तेमाल करके अब इस कार्रवाई को, इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ रोक दिया जाए और इसके बाद वो आगे अपना जो मंत्री पद है वो संभालते नजर आए, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर समझने के लिए सचिन आने वाले दिनों में। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि कानूनी कार्रवाई नहीं होती है इन पर, जो वारंट जारी है उसमें वो पेश नहीं होते आगे फिर एक तारीख मिलने पर, तो सवाल तो उठेगा ही। क्योंकि देखिए जब आरजेडी सत्ता में होती है, मैं पहले भी आपको कह चुकी हूं, उसकी कानून व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि सबसे बड़ा ठप्पा ही आरजेडी पर कानून व्यवस्था को लेकर लगा हुआ था, कुव्यवस्था को, और इससे बहुत मुश्किल से अपना पीछा छुड़ाती अब तक आरजेडी आई है। लेकिन आगे की जो राह है आरजेडी के लिए आसान नहीं होगी अगर ऐसी खबरें सामने आती रही। आनंद मोहन की खबर आप उठा लीजिए, कल की वो खबर, एक आजीवन कारावास की सजा और आप बाहर निकलते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, तस्वीरें आपके सामने आती है, इसके बाद उस पर भी पल्ला झाड़ती आपको नजर आती है आरजेडी, और अब ये पूरा मामला सामने आता है। बिल्कुल, तो इतना आसान होगा नहीं एक दूसरे पर दोष डाल रहे हैं, इन मामलों से पीछा छुड़ा लेना। कार्तिकेय सिंह कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को उन्होंने पहले से बता दिया था, आनंद मोहन उनका भी ऐसा ही, और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं, सब एक दूसरे पर दोष डालने में लगे हुए हैं। आखिर ये सरकार चलेगी कैसे?
देखिए होगा यही, क्योंकि इस पूरे खबर पर ना, इस पूरे मामले पर जवाब है ही नहीं, ना नीतीश कुमार के पास जवाब है, ना तेजस्वी यादव के पास जवाब होगा, क्योंकि शायद यही वजह है अब तक वो सामने भी नहीं आए, क्योंकि एक ऐसे नेता है तेजस्वी यादव जो किसी दूसरे राज्य की राजनीति में भी अगर थोड़ी हलचल हो जाए तो उस पर अपने बयान जरूर देते हैं, लेकिन ये मामला उनकी अपनी पार्टी से जुड़ा है, उनके अपने मंत्री से जुड़ा हुआ है, इसके बावजूद अब तक वो कुछ कहने को तैयार नहीं है। तो इससे ही आप समझ लीजिए कि जवाब पार्टी के पास किसी नेता के पास है ही नहीं। कार्तिक सिंह की अगर आप बात करेंगे, कार्तिक सिंह की, तो उनके पास इस वक्त ये मजबूरी है, उनके मजबूरी है, उनको आगे जवाब देना है, उनको ये मंत्री पद मिला है, उनको ये मंत्री पद संभालना है, वो चाहते हैं उसमें आगे वो काम करें, लेकिन अब क्या होगा आगे, अब आगे ठीक है। मीनाक्षी, इसके पीछे बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी है, हम आपको बता दें बिहार में कानून मंत्री विवाद के बीच बड़ी खबर, आज शाम तक पटना पहुंच सकते हैं लालू यादव, कार्तिक सिंह के मंत्री बनाए जाने पर बड़ा विवाद। अब ऐसे में लालू यादव क्या नया पाल लगाएंगे इस पूरे विवाद की, क्या इस विवाद को खत्म करने में लालू यादव का एक बड़ा योगदान होगा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आज शाम लालू यादव पहुंच सकते हैं पटना। देखिए अब लालू यादव पटना पहुंचने वाले हैं, मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी देखिए बड़ी खबर है, अब लालू यादव आने वाले हैं पटना, क्या लगता है विवादों का, अब विवाद जो ये हो रहा है क्या ये सुलझ पाएगा? देखिए लालू प्रसाद यादव के आने से यहाँ पर ये विवाद सुलझ जाएगा ये कहना मुझे लगता है इतना सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो लिस्ट है, जिस लिस्ट में कार्तिकेय सिंह का नाम था, जहाँ पर मोहर लगी, वो लिस्ट लालू प्रसाद यादव के पास पहले ही गई थी, खुद तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे, उन्होंने मुलाकात की थी, वहां पर मंथन होने के बाद ये 16 नाम तय हुए थे जिनको मंत्री पद की शपथ दिलानी है, जिसमें और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करते हैं। बिहार में नीतीश और तेजस्वी सरकार की बड़ी फजीहत हो रही है। बिहार के कानून मंत्री कार्तिक सिंह कानून की नजर में भगौड़ा है। बिहार के कानून मंत्री के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुआ है। अपहरण केस में फरार चल रहे हैं कार्तिक सिंह। कल कार्तिक सिंह ने कानून मंत्री पद की शपथ ले ली है। बिहार के कानून मंत्री ने कानून की धज्जियां उड़ा दी, सरेंडर की बजाय कल मंत्री पद की शपथ ली है। 2014 में अपहरण के केस में वॉन्टेड है कार्तिक सिंह, बाहुबली अनंत सिंह के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। आपको जानकारी दे कि मास्टर साहब के नाम से मशहूर है कार्तिक सिंह, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली, कानून मंत्री बने, लेकिन धज्जियां खुद उड़ा दी हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाए जाने पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का नीतीश सरकार पर हमला, अपहरण केस में जेल जा चुके कार्तिकेय को मंत्री बनाया गया, बाहुबली अनंत सिंह के पार्टनर कार्तिकेय को मंत्री बनाया गया। आपराधिक छवि वालों को नीतीश ने बनाया है मंत्री, इस बात का जिक्र सुशील बिहार के कानून के नजरों में फरार घोषित हुए। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या इस तरह से बिहार का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, क्योंकि कानून मंत्री खुद फरार है कानून के नजरों में? देखिए, जो कानून मंत्री हैं कार्तिकेय सिंह, ये अनंत सिंह के राइट हैंड हैं, इनको कल राजद कोटे से मंत्री बना दिया गया, कानून मंत्रालय इनको दे दिया गया, ये किडनैपिंग के मामले में फरार है। इनको 16 अगस्त को कोर्ट के अंदर सरेंडर करना था, तो सरेंडर करने के बजाय ये राजभवन पहुंच गए, वहाँ इन्होंने शपथ ले लिया। नीतीश जी की पूरी जानकारी में कि इन्होंने शपथ लिया, इन पर वारंट है, क्योंकि मंत्री बनाने के पहले वेरिफिकेशन रिपोर्ट आती है। या तो वेरिफिकेशन रिपोर्ट को दबा दिया गया या क्या हुआ, ये तो मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। अगर कहीं गलती हो गई तो कार्तिकेय सिंह को और मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की बदौलत आप बिहार के अंदर सुशासन नहीं दे सकते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर से आप कोई समझौता नहीं कर सकते। क्या वजह लगती है कि नीतीश कुमार ने मतलब आनंद फानंद में ऐसे ये फैसला ले लिया है? नहीं देखिए, वो दबाव में है, राष्ट्रीय जनता दल के 115 विधायक हैं, और राष्ट्रीय जनता दल में तो ऐसे लोगों की भरमार है, वहाँ तो शरीफ लोग बहुत कम मिलेंगे। अधिकांश जो बलात्कार से जुड़े जिन पर मामले हैं, एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट, किडनैपिंग, मारपीट, अटेम्प्ट टू मर्डर, इसी तरह के मामलों से जुड़े अधिकांश लोग हैं, तो वैसे लोगों का अपने मंत्रिपरिषद में शामिल किया है तो आगे और सारी घटनाएं घटेंगी जो हैं, इसलिए शुरुआत बहुत खराब हुई। पहले तो आनंद मोहन की घटना और अब ये कार्तिकेय सिंह का मामला।
तो मैं नीतीश जी से यही अपील करूंगा कि अविलंब कार्तिकेय सिंह को मंत्री परिषद से बर्खास्त किया जाए। सर आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार एक विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे, क्या ऐसे बाहुबली विधायक और मंत्रियों के समर्थन से क्या विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बन पाएंगे 2024 में? देखिए कोई चेहरा वरा बनने वाले नहीं है, उनको गलतफहमी है, उनकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बातचीत करने के लिए नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सदाशिव के साथ जी मीडिया। तो सुशील मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस बात का जिक्र करके देखिए सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। और देखिए लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अब लगातार बीजेपी नीतीश सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। महागठबंधन की सरकार को घेरने की लगातार पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। मीनाक्षी लगातार बनी हुई है हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर। मीनाक्षी, और ये देखिए इसी बात का हम जिक्र हमेशा से कर रहे हैं कि जब से सरकार का गठन हुआ है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही तमाम जो पार्टियां हैं विपक्ष की वो हमलावर हैं। अब उसी पर कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल देखिए सचिन, जब से नई सरकार बनी है तब से बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर निशाना भी साध रही थी, और आरजेडी जब रहेगी सत्ता में तब तब इस तरह के सवाल उठेंगे भी, हो भी वही रात। लेकिन पिछले दो दिनों में जिस तरह की खबरें सामने आई, आप आनंद मोहन वाला मुद्दा उठा लीजिए या आप जिस तरह से कार्तिकेय सिंह वाला मुद्दा है, ये दोनों मामले एक बार फिर आरजेडी को घेर रहे हैं। और उसके जंगल राज जिसका जिक्र बार बार होता है आरजेडी को जोड़कर, उसका कहीं ना कहीं उसको लेकर सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। देखिए बड़ा सवाल ये है कि कार्तिकेय सिंह जो साल 2014 में किडनैपिंग मामले में दोषी हैं, वारंट जारी है कोर्ट से, इसके बावजूद आखिर उन्हें मंत्रालय कैसे दे दिया गया? मंत्रालय में भी कानून मंत्रालय कैसे दे दिया गया, जो खुद कानून की नजरों में इस वक्त फरार हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। जबकि इसके लिए खुद देखिए तेजस्वी यादव दिल्ली गए, लालू यादव से मुलाकात की, वहां बैठ के पूरी सूची को तैयार किया गया, तो क्या बैकग्राउंड नहीं देखा गया? यह बड़ा सवाल यहां पर है सचिन की, क्या बिना बैकग्राउंड देखे कार्तिकेय सिंह को यह बड़ी जिम्मेदारी राज्य की सौंप दी गई? अब यहां रहने वाले लोगों के मन में भी यह सवाल उठेगा कि खुद जो कानून मंत्री है वो कानून की नजरों में फरार है, उसने इतने दोष कर रखे हैं, अब वो राज्य के कानून बिना बैकग्राउंड देखे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई, लेकिन अब जब सच सामने आ चुका है तो क्या अब एक्शन होगा कि नहीं? अब नजरें सभी की इसी पर, और उम्मीद यही है कि शायद एक्शन लेंगे तेजस्वी यादव भी, नीतीश कुमार भी, लेकिन मजबूरी यहां पर नजर आ रही है। क्योंकि देखिए इतने ना भी बात कर रहे थे सुशील मोदी, उनका भी आपने सुना, उनकी पूरी बातचीत आपने सुनी, बड़ा प्रेशर है यहां पर नीतीश कुमार पर भी, क्योंकि विधायकों की संख्या ज्यादा है आरजेडी की, और अब जिस तरह से गठबंधन हुआ, क्या डील हुए हैं उसमें, अगर मजबूरी है तो कोई इसमें एक्शन लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है यहां पर एक्शन आरजेडी की तरफ से लिया जाना जरूरी इसलिए है क्योंकि भविष्य का मुख्यमंत्री खुद को तेजस्वी यादव देखना चाहते हैं बिहार में, ऐसे में डिप्टी सीएम इस वक्त वो हैं, और ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं देखिए पार्टी से बर्खास्त किया जा सकता है। सबसे पहले मीनाक्षी देखिए जिम्मेदारी सबको सौंप दी गई, जिम्मेदारी सबको सौंप दी गई, पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज थी, लेकिन ये जब तमाम आरोप लग रहे हैं तो अब इससे तो पूरी महागठबंधन सरकार की किरकिरी हो चुकी है, कैसे बचेंगे इससे सरकार? देखिए इससे बचना मुश्किल है, इससे बचना सचिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो दोष है, ये जो आरोप है, पिछले दो दिनों में जो मामले सामने आए हैं वो बहुत बड़े हैं। तेजस्वी यादव को अब सोच समझकर कदम उठाना होगा अगर वो मुख्यमंत्री आगे खुद को देखना चाहते हैं बिहार का, तो क्योंकि राज्य की जनता की नजर है उन पर, अब वो देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन अब वो क्या करेंगे? क्या वो कार्तिकेय सिंह पर कोई बड़ा एक्शन लेते हैं या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं? लेकिन देखिए एक बात समझिए इस बात को सचिन, क्या आंख मूंद कर मंत्रालयों को बंटवारा कर दिया क्या? जो कानून मंत्रालय जो है कार्तिकेय सिंह की झोली में चला गया, जिन पर इतना बड़ा आरोप है, वो किडनैपिंग के मामले में दोषी है, 2014 का पूरा मामला है, तो क्या आंख मूंद कर आप मंत्रालय का बंटवारा कर रहे थे? जो कार्तिकेय सिंह की झोली में आपने कानून मंत्रालय डाल दिया, अब जब वो, क्योंकि देखिए बहुत साफ है, सब कुछ पता था तेजस्वी यादव को भी, नीतीश कुमार को भी, हर कोई ये जानता था कि कार्तिकेय सिंह कौन है, क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या क्या उन्होंने किया है नहीं किया है, और कोर्ट से फरार है, इसके बावजूद आखिर किस लिए क्यों? तो यही माना जा रहा है कि एक प्रेशर है, और शायद किसी प्रेशर में आकर उन्होंने ये मंत्रालय उनको दे दिया। बहुत बड़ा मंत्रालय, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कानून मंत्रालय की, क्योंकि कानून व्यवस्था अगर किसी राज्य का खराब है तो वो राज्य किसी भी सूरत में विकास या विकसित नहीं हो सकता है। बिल्कुल मीनाक्षी, वो राज्य अगर कानून व्यवस्था खराब है तो विकसित कैसे करेंगे? और बिहार में नई सरकार बनने के बाद ही विवादों में लगातार ये सरकार घिर गई है। नीतीश कुमार जो खुद को पीएम चेहरे के तौर पर आगे रख रहे हैं, महत्वाकांक्षी उनका ये, वो चाहते हैं पीएम भी बनना, तो क्या इस तरीके से बनेंगे? क्या लग रहा है आपको आगे की राह आसान हो पाएगी?
बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोनिका, बिल्कुल ये आसान राह नहीं होने वाली। एक तरफ नीतीश कुमार तो अब राज्य की राजनीति से उठकर केंद्र की राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। अब वो प्लान कर रहे हैं कि अलग अलग राज्यों के नेताओं से मुलाकात करें, विपक्ष को एकजुट करें, तो तेजस्वी यादव खुद को राज्य का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से सवालिया निशान उठने लगे हैं नई सरकार पर, सरकार बनते ही पहले आनंद मोहन जो जिला अधिकारी की हत्या का आरोपी है, आजीवन कारावास की सजा उसको मिली हुई है, वो बाहर निकलता है, फोटो खिंचवाता है, जनता दरबार लगाता है। दूसरी तरफ अब कार्तिकेय सिंह का मामला तो सवालों के घेरे में है और बीजेपी भी मौका नहीं छोड़ेगी। और देश की जनता, राज्य की जो जनता है, बिहार की जो जनता है, वो भी इतनी जागरूक। आपको बताऊं, ये वो राज्य है जहां बच्चा बच्चा राजनीति की समझ रखता है, और यहां पर अगर इस तरह की चीजें यहां की राजनीति में होंगी तो ये जो भविष्य जब वोट करने जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने मीनाक्षी, आप लगातार नजर बना के रखे, क्योंकि देखिए आपने भी इस बात का जिक्र किया कि बिहार की राजनीति बच्चा बच्चा जानता है। बीजेपी नेता अमित का नीतीश तेजस्वी पर बड़ा हमला, ये बड़ी खबर। बिहार सरकार के कानून मंत्री को कल सरेंडर करना था, लेकिन साहब जाकर पद और गोपनीयता की शपथ ले लेते हैं, ये बड़ी खबर। सरकार बनते ही बाहुबली आनंद मोहन ज्वेल की घर में मिले, सीएम नीतीश की लाचारी साफ दिख रही है, इस बात का जिक्र अमित मालवीय ने किया। तो देखिए मीनाक्षी, सरकार बनी नहीं है कि विवादों में बिखर चुके हैं, और एक के बाद एक सभी पार्टियां हो चाहे नेता हो, वो निशाना भी साध रहे हैं। देखिए निशाना साधा जाएगा, मैंने पहले भी कहा राजनीति है, अगर इस तरह का मामला सामने आया है, जब से सरकार बनी थी पहले से ही बार बार बीजेपी जो है जंगल राज का जिक्र करने लगी थी। आरजेडी सत्ता में रहेगी तो जंगल राज का जिक्र होगा, क्यों होगा यह हम और आप बेहतर जानते हैं। लेकिन अब देखिए जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पहले हुआ कुछ दशकों में वो फिर लौट कर आएगा वैसा राज, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसको आजीवन का नमस्कार, हिंदुस्तान देख रहे हैं, खबरों की शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं 20 बड़ी खबरें। बिहार में कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भगोड़ा, कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी, अपहरण केस में फरार चल रहे हैं कार्तिकेय सिंह। कार्तिकेय कुमार को मंत्री बनाने पर सवालों में घिरे नीतीश कुमार, कल कोर्ट में होना था पेश, लेकिन ले रहे थे मंत्री पद की शपथ। कार्तिकेय मामले पर बोले सुशील मोदी, सीएम नीतीश की लाचारी साफ दिखाई दे रही है, फरारी वाले लोगों को भी मंत्री बनाया जा रहा है। कार्तिकेय वारंट मामले में सीएम नीतीश कुमार ने पल्ला झाड़ा, कहा कार्तिकेय के वारंट के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। यूपी के आगरा में तिरंगा यात्रा के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वालों पर कसा शिकंजा, लोहा मंडी थाने में 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। आगरा में 3 युवकों पर तिरंगा रैली में पाकिस्तान का नारा लगाने का आरोप वायरल, वीडियो पर पुलिस का एक्शन आया सामने। आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का मामला, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा ऐसी कार्रवाई करेंगे कि एक नजीर बनेगी, उनकी कई पुश्ते याद रखेंगे। आगरा के बाद बाराबंकी की तिरंगा रैली में पाकिस्तान के लगे नारे, मदरसों के बच्चों से लगवाए गए हैं नारे। जम्मू में कश्मीरी पंडित का विरोध प्रदर्शन, कश्मीरी पंडितों ने सड़क पर उतर करके टायर जलाए, शोपिया में हुए कश्मीरी पंडितों पर हमले का विरोध। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने निकाला विरोध मार्च, जमकर की नारेबाजी, सरकार से सुरक्षा देने की मांग की गई। 48 घंटे में कश्मीरी पंडितों पर आतंकवादियों का दूसरा हमला, शोपिया में कश्मीरी पंडितों के मोहल्ले में मौजूद सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड अटैक, आतंकवादियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम बस हादसे में शहीदों को आखिरी सलाम, श्रीनगर में सेना के जवानों ने दी श्रद्धांजलि। पहलगाम बस हादसे में शहीद हुए आईटीबीपी के जवानों को एलजी मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि, मनोज सिन्हा ने जवानों के पार्थिव शरीर को दिया कंधा। जम्मू के इसी तरह से सनसनीखेज मामला आया सामने, इसी तरह इलाके में के घर में 6 शव मिलने से अड़कंप, सभी शव एक ही परिवार की बताई जा रही है। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत की वजहों का अभी तक भी खुलासा नहीं, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। कर्नाटक में सावरकर पोस्टर विवाद पर तकरार तेज, बीजेपी नेता ईश्वरप्पा बोले मुसलमानों की बात की जगह नहीं है, जहां चाहेंगे लगाएंगे पोस्टर, पोस्टर के विरोध में उतरी कांग्रेस। महाराष्ट्र के गोंदिया में यात्री ट्रेन ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारी, 3 डिब्बे पटरी से उतरे, 50 से ज्यादा लोग घायल। के चंद्रशेखर मामले में एक्ट्रेस जैकलीन को ईडी ने बनाया आरोपी, 215 करोड़ की वसूली केस में जुड़ा है मामला। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की बड़ी मुश्किलें, जैकलीन पर ईडी आज दाखिल करेगी चार्जशीट।
और देखिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन की शुरुआत बिहार से आ रही एक और बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बिहार में दरअसल एक और मंत्री पर विवाद बढ़ गया है। चावल घोटाले के आरोपी को कृषि मंत्री का जिम्मा दे दिया गया है और देखिए किस तरीके से देखिए तमाम मामले सामने आ रहे हैं। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले का आरोप है। नीतीश सरकार में ही सुधाकर पर चावल घोटाले का आरोप है। अब नीतीश कुमार ने ही उन्हें बना दिया है कृषि मंत्री। चावल घोटाले के आरोपी को मंत्री बनाने पर विवाद। बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद के बेटे हैं सुधाकर सिंह। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद के बेटे हैं सुधाकर सिंह और उन्हें मंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही थी कि दरअसल जगदानंद सिंह का भी खुद दबाव था। लेकिन रामगढ़ सीट से आरजेडी विधायक हैं सुधाकर सिंह। नीतीश राज में ही 2013-14 में चावल घोटाला हुआ था और चावल घोटाले में सुधाकर सिंह पर ही केस दर्ज हुआ था। रामगढ़ थाने में सुधाकर पर केस दर्ज हुआ था और अब अंदाजा लगाइए कि पिछली बार जब महागठबंधन की सरकार बनी थी उस वक्त चावल घोटाला हुआ और उसी में आरोपी को एक बार फिर से कृषि मंत्री बना दिया गया। और देखिए आम आदमी पार्टी लॉन्च करेगी नेशनल कैंपेन। थोड़ी देर में लॉन्च होगा मेगा कैंपेन। तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर केजरीवाल करेंगे शुरुआत 2024 के चुनाव के लिए। आम आदमी पार्टी की बड़ी तैयारी अब शुरू हो चुकी है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं 1 बजे का ये कार्यक्रम। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं। चारों तरफ तिरंगा नजर आ रहा है और देखिए मंच पर अरविंद केजरीवाल तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। मेक इंडिया नंबर 1 ये कैंपेन है और ये कैंपेन दरअसल 2024 की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तस्वीरों में अगर आप देख पाएंगे तो हर ओर सिर्फ और सिर्फ आपको आजादी के नारे सुनाई देंगे और लोग तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल स्टेज पर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ देखिए उनके हाथों में भी तिरंगा है। एक ही नारा मेक इंडिया नंबर 1 का ये नारा है। आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त की दिखा रहे हैं क्योंकि जहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए और अब इस प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है जिसका सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि 2024 में निशाना साधने की कोशिश है और 2024 में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए मेक इंडिया नंबर 1 दरअसल मेक इन इंडिया के तर्ज पर इस कार्यक्रम की इस अभियान की शुरुआत की गई और इस अभियान के तहत अरविंद केजरीवाल लगातार देखिए लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश है कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ एक राज्य तक सीमित ना रखा जा सके बल्कि पंजाब और दिल्ली के अलावा अलग अलग राज्यों में भी लेकर जाया जाए यानी कि पूरे भारत को एक तरीके से आम आदमी पार्टी के रंग में रंगने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है। जी देखिए बिल्कुल इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं इंडोर स्टेडियम में किस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ तिरंगामय ये पूरा स्टेडियम नजर आएगा। दरअसल स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर सीएम केजरीवाल 2014 से ही फ्रंट पर रहे। उनका कहना है कि स्वास्थ्य शिक्षा एजुकेशन के जरिए ही हम इस देश को नंबर 1 बना सकते हैं। आम आदमी हो या गरीब आदमी हो अगर हम सबको शिक्षा प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर पर जीवन बदलने वाला है। और स्क्रीन पर आप इस वक्त केजरीवाल जो सीएम है दिल्ली के उनको देख रहे होंगे। भारत माता की जय के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं चौतरफा। तो यहाँ जो माहौल इस वक्त है वो पूरी तरीके से ये दिखाता है कि दिल्ली इस वक्त तिरंगामय आपको नजर आ रही है और मेक इंडिया नंबर 1 का जो कैंपेन है ये 2024 के लिए सीएम केजरीवाल ने अभी से लॉन्च किया। हाल ही के दिनों में आपको पता ही होगा जिस तरीके से उन्होंने आजादी के नारे के साथ में शुरुआत की है और भारत माता की जय के नारों के साथ में शुरुआत अरविंद केजरीवाल की तरफ से और साथ ही साथ पूरा स्टेडियम इस वक्त गूंज उठा है। और साथ ही अगर आप भीड़ भी यहाँ पर देखेंगे तो लोगों की भीड़ से ये पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। अरविंद केजरीवाल का भाषण शुरू हो चुका है और सुनिए कि किस तरीके से आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं जो ऐलान करने जा रहा हूँ ये करोड़ों करोड़ों भारतीयों का बहुत पुराना सपना है और उस सपने को पूरा होने की शुरुआत होने जा रही है। हमारे देश का हर आदमी हर भारतीय चाहता है भारत दुनिया का नंबर 1 होना चाहिए। हर भारतीय चाहता है कि भारत बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। हर भारतीय चाहता है
कि भारत की गिनती दुनिया के अमीर देशों में होनी चाहिए। हर भारतीय चाहता है कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र हो। हर भारतीय चाहता है कि भारत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने। दोस्तों, भारत एक महान देश है। हमारी सभ्यता, भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, कई हजार साल पुरानी है। और एक समय ऐसा था जब भारत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजा करता था। हमें भारत को वापस दुनिया का नंबर वन देश बनाना है। वी हैव टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो आज हम एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस मिशन का नाम है मेक इंडिया नंबर वन। 130 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ना है। इस देश के हर नागरिक को इस मिशन के साथ जोड़ना है। इस देश के हर नागरिक का सपना रहा है कि भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है। 130 करोड़ लोगों को अब इस मिशन के साथ जोड़ना है। आजादी को 75 साल हो गए। इन 75 सालों में हमने बहुत कुछ पाया, भारत ने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन लोगों के अंदर एक गुस्सा है, लोगों के अंदर एक क्रोध है, लोगों के अंदर एक प्रश्न है कि इन 75 सालों के अंदर कई ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, जो हमारे बाद आजाद हुए और हमसे आगे निकल गए। सिंगापुर हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे आगे निकल गया। क्यों भाई, हमारे में क्या कमी है? जापान द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान तहस नहस हो गया था। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम, न्यूक्लियर बम पड़े थे, आज हमसे आगे निकल गया। जर्मनी हिटलर के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी तहस नहस हो गया था, आज हमसे आगे निकल गया। हम पीछे क्यों रह गए, भारत पीछे क्यों रह गया? आज भारत का हर नागरिक ये पूछ रहा है। भारत का हर नागरिक गुस्से में है, भारत का हर नागरिक क्रोध में है कि हम पीछे क्यों रह गए। हम किसी से कम है क्या? हम किसी से कम थोड़ी हैं। भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, भारत के लोग सबसे मेहनती लोग हैं, भारत के लोग दुनिया में सबसे बेस्ट लोग हैं। फिर भी हम पीछे रह गए। भगवान ने भारत को सब कुछ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सब कुछ दिया है भगवान ने हमें। भगवान ने हमें नदियां दी, पहाड़ दिए, जड़ी बूटियां दी, फसलें दी, समुद्र दिया, क्या नहीं दिया भगवान ने। इतना विशाल देश, और जब भगवान ने इंसान पैदा किया तो सबसे इंटेलिजेंट लोग भगवान ने इंडिया में पैदा किए, फिर भी हम पीछे रह गए। फिर हम पीछे क्यों रह गए? भारत आखिर पीछे क्यों रह गया? दोस्तों, अगर इनके भरोसे छोड़ दिया, इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया, तो अगले 75 साल और पीछे रह जाएंगे। इनमें से किसी को अपना परिवार प्यारा है, इनमें से किसी को अपना दोस्त प्यारा है, किसी को भ्रष्टाचार करना है, किसी को देश लूटना है। इन 75 साल में इन्होंने अपने घर भरने के और अपने दोस्तों के घर भरने के सिवा कुछ नहीं किया। दोस्तों, अगर इनके भरोसे, इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया,
तो 75 साल और भारत पीछे रह जाएगा। कई लोग मेरे से पूछते हैं, कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड, व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकता इंडिया लीड? हमारे पास, हमारे देश में बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट साइंटिस्ट हैं, बेस्ट किसान हैं, किस चीज की कमी है हमारे देश में? लेकिन एक ही शर्त है, देश के 130 करोड़ लोगों को अब साथ आना पड़ेगा। अब देश के लोगों को बागडोर संभालनी पड़ेगी, इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते। देश के 130 करोड़ लोगों को, इंजीनियर, डॉक्टर, मजदूर, किसान, आदमी, औरत, अमीर, गरीब, इस जात के, उस जात के, इस धर्म के, उस धर्म के, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। 130 करोड़ लोगों को मिलके अब देश की बागडोर संभालनी पड़ेगी। पचहत्तर साल पहले जब सारा देश इकट्ठा हुआ था तो हमने अंग्रेजों को बाहर फेंक दिया था। आज 75 साल के बाद अगर हम 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए तो दोस्तों भारत को नंबर वन देश बनाने से, बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक शर्त है, 130 करोड़ लोगों को, ये हमारा परिवार है, 130 करोड़ लोगों का हमारा परिवार है, ये एक टीम है, हम सब लोगों को मिलके एक परिवार की तरह सोचना है, 130 करोड़ लोगों के परिवार की तरह सोचना है। हमारा कोई भी बच्चा बिना अच्छी शिक्षा के नहीं रहना चाहिए। देश आगे कैसे बढ़ेगा, देश दुनिया का नंबर वन देश कैसे बनेगा, भारत दुनिया का नंबर वन देश कैसे बनेगा? हमें अपने हर बच्चे को, 27 करोड़ बच्चे रोज स्कूलों में जाते हैं, हमें अपने हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। चाहे कोई कितने गरीब घर में पैदा हो, चाहे कोई कितने भी गरीब घर में पैदा हो, देश के किसी भी कोने में रहता हो, हम ये नहीं कह सकते हम पहाड़ों में स्कूल नहीं खोल सकते, हम आदिवासी इलाकों में स्कूल नहीं खोल सकते। देश के कोने कोने में स्कूल खोलने पड़ेंगे, इसके लिए चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े अपने को, देश को चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े, सबसे पहला काम अपने को करना है देश के हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना है। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, बच्चों को पढ़ा दिया, एक एक बच्चा पढ़ के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई कहीं कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, एक एक बच्चा पढ़ने के बाद एक एक परिवार को गरीब से अमीर बना देगा, और जब एक एक परिवार गरीब से अमीर बनेगा तो भारत का नाम अमीर देशों के अंदर लिखा जाएगा। दूसरा काम अपने को करना पड़ेगा, अपने देश के एक एक आदमी के लिए, एक एक औरत के लिए, एक एक बुजुर्ग के लिए, एक एक युवा के लिए, एक एक बच्चे के लिए अच्छे से अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर बीमार हो जाए कोई, उसका अच्छे से अच्छा इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छे से अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री में इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा, उसकी दवा, उसका टेस्ट, उसकी इलाज, उसका ऑपरेशन चाहे कितने भी लाख रुपए का खर्चा क्यों ना आए, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, हर जिंदगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर भारतीय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, भारत का हर नागरिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जरूरी है भारत के कोने कोने में, पूरे देश में, गांव गांव में, कोने कोने में,
हमें स्कूल खोलने पड़ेंगे, हमें अस्पताल खोलने पड़ेंगे, हमें मोहल्ला क्लिनिक बनाने पड़ेंगे, हमें डिस्पेंसरी खोलनी पड़ेगी, डॉक्टरों का इंतजाम करना पड़ेगा, टीचरों का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली दो चीजें हमें अपने बच्चों के लिए शिक्षा का और अपने लोगों के लिए इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। तीसरी चीज, हमारे युवा, हमारी युवा शक्ति आज हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज लेकिन युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको रोजगार दिया जा सकता है अगर सही नीयत हो और सही मैनेजमेंट हो, तो हमारे युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, रोजगारों को। तीसरी चीज हमें करनी पड़ेगी, एक एक युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। एक भी युवा देश के अंदर बेरोजगार नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता देनी पड़ेगी, एक एक युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। चौथी चीज, हमारे देश की हर महिला को सम्मान मिलना चाहिए। हमारे देश की हर महिला को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। हमारे देश की हर महिला को सुरक्षा मिलनी चाहिए। महिलाओं के लिए बराबरी का अधिकार, महिलाओं के लिए सुरक्षा और महिलाओं के लिए सम्मान, ये कहना बड़ा आसान है, करने के लिए हमें अपने अपने घर के अंदर, अपने अपने समाज के अंदर इसके लिए काम करना पड़ेगा। और पांचवीं चीज, आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता? हमारा मुल्क किसान प्रधान, खेती प्रधान मुल्क है। हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि किसानों को अपनी फसल का पूरा दाम मिले, ताकि किसानी एक किसानों के घर में खुशहाली लेके आए, किसानों को सम्मान मिले। और ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि किसान का बेटा फक्र के साथ कहे, मुझे भी किसान बनना है। हमारे देश के किसानों को उनकी फसलों का पूरा दाम, उनकी मजदूरी का पूरा दाम देना है, ताकि हर किसान का बेटा फक्र के साथ किसानी कर सके। दोस्तों, और भी बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन ये पांच काम सबसे जरूरी काम है। अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो ये करना पड़ेगा। आज मैं इस मंच के माध्यम से देश के 130 करोड़ लोगों को अपील करता हूं कि इस राष्ट्र मिशन मेक इंडिया नंबर वन, इस राष्ट्र मिशन के साथ जुड़ें। जिस दिन 130 करोड़ लोग एक साथ जुड़ गए, भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये मिशन राष्ट्र मिशन है, ये देश को आगे ले जाने का मिशन है, ये किसी पार्टी का मिशन नहीं है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं, सारे बीजेपी वाले भी साथ आओ, सारे कांग्रेस वाले भी साथ आओ, इस पार्टी वाले भी साथ आओ, उस पार्टी वाले भी साथ आओ। देश में जितने देशभक्त हैं, जो लोग चाहते हैं कि देश, भारत का नाम दुनिया के अंदर हो, भारत दुनिया का नंबर वन देश बने, जो लोग चाहते हैं, सारे इस राष्ट्र मिशन के साथ जुड़ो। और हमें अब लड़ाई झगड़े नहीं करने। लड़ाई झगड़े करके 75 साल खराब कर दिए। कांग्रेस वाले बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं, बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी के साथ लड़ रहे हैं, ये उससे लड़ रहा है, ये उससे लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान क्रिश्चियन से लड़ रहा है, पंडित उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, सारे लड़ाई झगड़े खत्म। अगर हम लड़ते रह गए तो दुनिया का नंबर वन देश नहीं बन सकते। हमें सबको, 130 करोड़ लोगों को एक परिवार की तरह रहना है, एक परिवार की तरह हमें कंडक्ट करना है, एक परिवार की तरह बिहेव करना है। नफरत खत्म, प्यार और मोहब्बत करेंगे, एक साथ मिलके रहेंगे, मुट्ठी बन के रहेंगे, तभी भारत दुनिया का नंबर वन देश बन सकता है। आज हम सब लोग प्रण लेते हैं कि
कि जब तक भारत को दुनिया का नंबर वन देश नहीं बनाएंगे, हम सोएंगे नहीं, खाएंगे, चैन से नहीं रहने वाले। तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे जब तक हम भारत को दुनिया का नंबर वन देश नहीं बनाने। मैं पूरे देश में जाऊंगा, पूरे देश के कोने कोने में जाऊंगा, लोगों को जोड़ूंगा और 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाएंगे। 130 करोड़ लोगों को इस मिशन से जोड़ेंगे और जब 130 करोड़ लोग जुड़ गए तो भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत माता की, इनकलाब, वंदे, जय हिंद, जय हिंद। तो देखिए, जर्मनी, सिंगापुर का जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल नेताओं के भरोसे देश से छोड़ नहीं सकते, इस बात का भी जिक्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तालकटोरा स्टेडियम में मौके पर पहुंचे हुए थे और वहां पर पहुंचने के बाद इन तमाम बातों का जिक्र किया। स्कूल, शिक्षा, अस्पतालों किस तरीके से बेहतर बनाना है, इस बात का भी जिक्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया और कहा कि 130 करोड़ की जनता का ही सपोर्ट चाहिए। ये पूरा देश जब साथ मिलकर काम करेगा तभी ये देश नंबर वन बनेगा। तो देखिए, इस कैंपेन के जरिए एक रोड मैप रखने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की है और एक पांच कामों पर फोकस रखने की बात कही है। मेक इंडिया नंबर वन कैंपेन का आज जो आगाज हुआ है, इसके जरिए दरअसल 2024 की तैयारी शुरू की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन देखिए किन बातों का जिक्र किया गया, महिला सुरक्षा और सम्मान की बात की गई है, यहां तक बात की गई कि किस तरीके से शिक्षा और हर एक राज्य के लोगों को जोड़ने की कोशिश। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि राज्यों को सिर्फ नहीं बल्कि पूरे देश को एक धागे में पिरो करके चलना है और हम तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे जब तक हम भारत को नंबर वन नहीं बना देते हैं। देखिए सीधे तौर पर ये निशाना, ये तैयारी 2024 के लिए आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि कैसे एक धागे में हर एक राज्य को पिरोया जा सके और बेहतर सुरक्षा, साथ ही बेहतर रोजगार के अवसर, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं ये दी जा सके। तो ये तमाम वो चीजें जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल ने आज किया है और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे राष्ट्र को नंबर वन बनाना है, यानी कि पूरे भारत का परचम पूरे विश्व में लहराना है। और वो देखिए लगातार हम आपको भीड़ भी दिखा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा कि कैंपेन के नाम में इसका संदेश छिपा हुआ है कि मेक इंडिया नंबर वन, भारत को कैसे नंबर वन बनाना है, इसको लेकर जोर दिया गया। और पांच बातें जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई वो थी महिलाओं का सम्मान, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और किसान। ये देखिए ये वो मुद्दे हैं जो हमेशा से ही राजनीति के इर्द गिर्द रहे हैं और ऐसे में इन पांच मुद्दों की तरफ बात अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें देखिए, इस अभियान की, कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर वन की शुरुआत कर दी और अभी भी लोगों में जो उत्साह है वो साफ नजर आ रहा है। हाथों में तिरंगा लेकर के सर से आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में अभी भी स्टेडियम के अंदर लोग मौजूद हैं और देखिए बड़ी संख्या में लोग अभी भी इसमें मौजूद है स्टेडियम के अंदर और शुभारंभ हो चुका है। लोगों का साथ भी अब अरविंद केजरीवाल को मिलता हुआ देखा जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से महिला का, रोजगार का, स्वास्थ्य का जिक्र किया, तो आज सीएम केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर वन के जरिए अपने 2024 के उस रोड मैप को आम जनता के सामने रखा है जिसके जरिए वो तमाम राज्यों में जाने वाले हैं। हम इस बात को बखूबी समझ रहे थे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब केजरीवाल के वो मॉडल रहे हैं जो लगातार साल दर साल उन्हें सफलता दिला दे रहे हैं। यही एक वजह है कि दिल्ली में लगातार सरकारें बनती रहीं, पंजाब में सरकार का गठन हुआ और अब गोवा में जाकर भी पार्टी को दो सीटें मिल गई हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को अब उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में अगर हमें किसी और राज्य में, हिमाचल या गुजरात में जीत मिलती है तो हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लेंगे। यही एक वजह है कि राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको सीएम केजरीवाल ने 130 करोड़ लोगों से जोड़ा।
है और उनकी जो पार्टी का जी बिल्कुल देखिए देखिए जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी बनाने का मुद्दा अरविंद केजरीवाल का रहा है और उसी मुद्दे को कहीं ना कहीं एक तरीके से और जोर देने की कोशिश पूरे इवेंट के जरिए की गई। जरा एक बार फिर से स्टेज पे वो भीड़ देखिए कि कैसे लोगों का भी उत्साह अरविंद केजरीवाल आम लोगों के बीच में भी खड़े हो रहे हैं। इसी वजह से आम आदमी पार्टी शायद इसी वजह से देखिए कैसे एक एक करके अब अलग अलग राज्यों में भी अपने पैर पसारते जा रही है और ये कोशिश है अरविंद केजरीवाल की कि मेक इंडिया नंबर वन के तहत इस अभियान के तहत में आम आदमी पार्टी को पूरे देश भर में फैलाया जा सके और 2024 पर वो निशाना है। तो ये समझ लीजिए कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना क्योंकि इसी अभियान के तहत में आप कहीं ना कहीं पूरे अमनदीप भी मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ी हुई है। अमनदीप मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, देखिए जो संदेश है वो साफ है कि पूरे देश को कैसे एकजुट किया जाए, आम आदमी पार्टी से कैसे जोड़ा जाए। जैसे कि आप भी जिक्र कर ही रहे थे हम लोग कि एक एक राज्य और है, अगर वहां पर भी आम आदमी पार्टी को सीटें मिल जाती है, वहां पर भी अगर क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो फिर वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो एक पहल है उसके जरिए पूरे देश भर को जोड़ना और आम आदमी पार्टी से कैसे लोगों को कनेक्ट किया जा सके और यही इसका उद्देश्य साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अगर आम आदमी पार्टी घर घर पहुंचती है तो सीधा फायदा 2024 में होगा और ये सीधा जो संदेश है वो अरविंद केजरीवाल ने आज इस माध्यम से दे दिया है, कैंपेन के माध्यम से। शिवम भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शिवम का रुख कर लेते हैं। शिवम आप कैसी तस्वीरें दिखाएंगे? अब बिल्कुल मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। अब धीरे धीरे लोगों का जाने का सिलसिला शुरू हो गया है क्योंकि सीएम का संबोधन खत्म हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का जोश अभी भी खत्म होते नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली के ये वो लोग हैं जिन्होंने फायदा उठाया है उन स्कीम्स का, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, जिन स्कूलों की एक समय दुर्दय हालत थी आज इनके बच्चे वहां पढ़कर टॉप कर रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो लगातार कई स्कीम्स चलाई जा रही है, स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है। सीधा हम लोगों से बात कर लेते हैं, सीएम केजरीवाल जी ने बोला है स्वास्थ्य शिक्षा ये बड़े मुद्दे रहने वाले, लगता है और कई राज्यों में भी ये मुद्दे बनेंगे। देखिए दिल्ली को देख करके पूरी दुनिया उनको सीखने के लिए आ रही है, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक जैसी चीजों को, हॉस्पिटल जैसे और जैसे जिस तरीके से स्कूल अच्छे किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बेसिक नीड जो है अगर किसी भारतीय की या किसी व्यक्ति की बिल्कुल, तो देखिए पूरे देश के लोग उस मॉडल को फॉलो करना चाह रहे हैं जो सीएम केजरीवाल ने बनाया। सुरभि हमारी सहयोगी जुड़ी हुई, सुरभि आपके पास क्या तस्वीर है? बिल्कुल देखिए शिवम जिस तरीके की तस्वीरें हमारे सामने निकल करके आ रही है, एक बार फिर से जरा वो स्टेज पर आप गौर कीजिएगा कि कैसे यहाँ पर लोगों की भीड़ देखिए और साथ ही साथ वहाँ बीच में भी अरविंद केजरीवाल को घेर करके लोगों ने रखा हुआ है। ये कोशिश लगातार जारी है कि कैसे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी जो कहलाती है आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच में बनी रहना चाहती है और इसी वजह से देखिए एक एक नए नए अभियान की शुरुआत अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है। मेक इन इंडिया के तर्ज पर जो कि पीएम मोदी ने शुरुआत की थी उसी तर्ज पर अब मेक इंडिया नंबर वन अभियान की शुरुआत अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि ये अभियान उनका कितना सफल साबित होता है क्योंकि उन्होंने ये नारा भी दे दिया कि जब तक मेक इंडिया नंबर वन पूरी तरीके से कायम नहीं हो जाता यानी भारत नंबर वन नहीं बन जाता है तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। मेरे सहयोगी अमनदीप भी मेरे साथ बनी हुई है, अमनदीप आपका रुख करना चाहूंगी। अमनदीप किस तरीके की तस्वीरें आपके सामने? बिल्कुल सुरभि देखिए एक बात तो गौर करने वाली है कि यहाँ पर जो मुद्दों को उठाया गया है उसके जरिए सिर्फ मोदी सरकार को ही घेरा नहीं गया है बल्कि उन तमाम सरकारों